हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस? हाउ आर यू ऑल? वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम अंकित, वेलकम मोज। हाउ आर यू? कैसे हो? हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सब? वेलकम प्रिया, वेलकम अंकित, वेलकम सन्मय, वैशाल, वेलकम ऋतुजा, दीपाली, ड्रीम, शीना, अरविंद, अंजनी। हाउ आर यू? वेलकम 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 एवरीबॉडी टू द क्लास। चलो आज शुरुआत करेंगे आज के इस प्यारे से इम्पोर्टेंट टॉपिक को। तो सब लोग फटाफट आ जाओ यार, फिर अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे लोग जल्दी जल्दी आ जाओ। कंप्लीट बायोलॉजी के कंप्लीट, एकदम कंप्लीट तरीके से सारी चीजों को आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, एकदम कंप्लीट तरीके से सारी चीजें सीखेंगे, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट बायो, कंप्लीट बायो का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखवा के अच्छे से दूंगा, पूरे के पूरे 16 चैप्टर्स के। वैसे ज्यादा फोकस तो उन चैप्टर्स में रहेगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा आने के चांसेस हैं, बट फिर भी करवा के दूंगा पूरा का पूरा। सो टेंशन मत लो तुम लोग, ठीक है? टेंशन विंशन छोड़ के भैया हो जा फोली, फालतू आलतू जलालतू, थोड़ा सा पढ़ाई कर तू। ठीक है, चलो तो फटाफट आ जाओ यार। एग्जैक्टली, कोई कह रहा है भैया बीजीएमआई खेलो। हाँ यार, खेलने को खेल सकते हैं, क्यों नहीं खेल सकते? मैंने रखा भी है, किधर गया? ये देखो इधर है बीजीएमआई। आई कैन प्ले बट नहीं खेलना यार, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर है। तो चलो यार, इंपॉर्टेंट बताना है। अभी ये देखो स्टार्ट हो गया। ठीक है ऐसे, अरे भाई ये क्या है यार, फिर से मेरा नंबर लीक। तुम लोग ना बीजीएमआई के चक्कर में मेरा नंबर लीक करा देते हो। कोई नहीं, चलो अब आ जाओ बायोलॉजी पे चलते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो सब लोग आ जाओ यार, फटाफट स्टार्ट करेंगे। इसके चक्कर में मेरे नंबर की वाट लगा देते हो तुम लोग। ठीक है, कल भी मेरा नंबर लीक हो गया था, फिर मैं मुंह बना के बैठा था ऐसे। तो यार ऐसे मत कराओ यार। चलो तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। टेक्स्ट बुक वगैरह अपने बाजू में रख लेना, मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूँ और इसी में मैं लिखवा के सारी चीजें आप लोग को देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, ओके गाइस, नाउ एवरीथिंग इज फाइन नाउ, आई थिंक। चलो अब सब कुछ फाइन है, तो अपने बाजू में टेक्स्ट बुक एंड ऑल रख लेना, अपने बाजू में टेक्स्ट बुक एंड ऑल सब कुछ रख लेना। ठीक है, और चलो अभी स्टार्ट करेंगे। कल यार फिर मैं तुरंत ही जाके सो गया फिर, क्योंकि इतना नींद आ रहा था कल, पूरा रात भर लेक्चर लिया था मैंने, है ना, 10:30 तक पूरे लगातार 4 साढ़े 4 घंटे सेशन लिया। आफ्टर दैट मतलब मेरे से रुका ही नहीं गया। हालत ऐसी हो गई थी कि सीधे सो जाना है, क्योंकि उसके पहले भी ना, उसके पहले वाले दिन को भी मैंने सेशन लिया था और प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाया था इस वजह से। चलो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं इसको रख देता हूँ नीचे और इसको यहीं से मैं क्या करूंगा, लिखना चालू करूंगा यहीं से। ठीक है चलो, ओके गाइस, सो आई थिंक तुम लोगों को प्रॉपर दिख रहा होगा अच्छे से। ओके तो गाइस, ये है हमारा चैप्टर नंबर 1। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर दिख रही होंगी। तो दिस इज माई चैप्टर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो इसी चैप्टर के ऊपर हमें सारी चीजों को सीखना है एंड कंप्लीट तरीके से हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है चलो, तो अभी स्टार्ट करेंगे। आई थिंक दिख नहीं रहा है क्या बराबर? 1 मिनट रखा जो, रुक जाओ जरा। ओके 1 मिनट, हाँ कुछ तो गड़बड़ है गाइस, प्लीज 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट बस। एक मिनट रख, सब लोग रुक जाओ। चलो फिर स्टार्ट करता हूँ मैं। ओके, 1 मिनट प्लीज। हाँ हाँ आप चलो फाइनल, यही तो गायब हो गया था। चलो ओके, सो रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, पहला चैप्टर। चलो शुरुआत करते हैं फिर आज के इस प्यारे से लेक्चर को। तो इसी में मैं चलो आप लोग को लिख के देता हूँ सारी चीजें फटाफट। ठीक है, लेट्स बिगिन।
तो इसको रखते हैं साइड में, ढक्कन लगा लिया जाए एंड फिर करते हैं स्टार्ट। आ जाओ भाई तुम थोड़ा सा और इधर आ जाओ। ओके चलिए रेड से लिखता हूं, प्यारी नानी प्यारी नानी, रूसी रूसा छोड़ दे, जल्दी से पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। चलो ओके लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइस, चैप्टर नंबर 1, इस चैप्टर में से ये सारे चीजें रिड्यूस्ड हैं तो इनको हम लोग ध्यान नहीं देंगे, बाकी की आगे बातें करते हैं। देखो यार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यहां से वैसे कोई भी टॉपिक अब तक कभी पूछा नहीं गया है, तो इसको छोड़ दो साइड में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, मैं यहीं पे सारा लिखते जाऊंगा तुम लोग को, यहां से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और क्वेश्चन क्या आ सकता है, प्लीज सभी लोग अपने बुक में टिक करते जाओ। देखो पूछेगा कि ड्रॉ ए नीट एंड लेवल डायग्राम, लेबल्ड डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ एंथर, ये डायग्राम आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, इस बात को जरा ध्यान देना अच्छे से। चलो आगे की बात करते, टिक मार्क करते जाओ। अगर गाइस डेहिस्ट एंथर पूछा तो आपको ये डायग्राम बनानी है, ठीक है, इस चीज को जरा समझते जाना। तो अपने ऊपर डिपेंडेंट है कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे एग्जैक्टली पूछ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। यहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस है, आपको बस इतना ही एक्सप्लेन करना है, बाकी कुछ नहीं। टीएस ऑफ एंथर तो पूछ लिया तो अच्छी बात है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, बोलेगा डिस्क्राइब डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, ठीक है, ये एग्जाम में 3 मार्क्स को पूछ सकता है, तो इस चीज को भी आप लोग को अच्छे पे ध्यान देना है। नाउ आगे की बात करते हैं, चलो बाकी कुछ नहीं, यहां से कुछ भी नहीं, डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, हाँ ये सब कुछ नहीं आएगा, ये सब कुछ भी मत करो, करना है तो करना, सर टॉपर बच्चे सब करके जाते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ऑव्यूल की बात करते हैं, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इसकी ये है कि ये एनाट्रोपस ऑव्यूल जो है ये तुम्हारे प्रीलियम में भी आ रहा होगा, ये अकेले को 3 मार्क्स को सिर्फ इसका डायग्राम है, अकेले को सिर्फ इसका 3 मार्क्स का डायग्राम है, एनाट्रोपस ऑव्यूल का अकेले का सिर्फ डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये सब कुछ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो ये तुम्हारे सामने ये डायग्राम दिख रही है, ये डायग्राम अकेले को खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, बाकी कुछ भी नहीं। गाइस देखो पॉलिनेशन एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, मैंने सारा का सारा नोट्स ऑलरेडी भेज दिया है टेलीग्राम में, जाओ और फटाफट ज्वाइन होके वहां से डाउनलोड कर लो, जिसके पास टेलीग्राम नहीं है वो बैठ के भजन करो, ठीक है। चलो पॉलिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जहां से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब पॉलिनेशन में कोई नहीं कह सकता कि भाई कौन सा आ जाएगा, वाटर पॉलिनेशन बाय वाटर विंड और इंसेक्ट कैसा आ जाएगा, वी डोंट नो, ठीक है। मेरे टाइम पे एंटेमोफिलस का आया था, इंसेक्ट वाला, तो मैं इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं बता सकता, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन इज दैट पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ये हमारे को 2017 के पेपर में आया था फॉर 3 मार्क्स, तो बोलेगा डिस्क्राइब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, तो ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी जो भी पढ़ना रहेगा पढ़ लेना। हाँ द नेक्स्ट टॉपिक इज एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन टू दी ऑव्यूल, अब चाहे इसमें से ये पोरोगैमी पूछ ले, चलजोगैमी पूछ ले, मिसोगैमी पूछ ले, बट जब भी ये पूछेगा 3 मार्क्स को पूछेगा, क्योंकि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनने के चांसेस है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 5 मार्क्स इज द डबल फर्टिलाइजेशन विद प्रॉपर डायग्राम, तो डायग्राम के साथ डबल फर्टिलाइजेशन का जो टॉपिक है इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रियली आप सबके एग्जामिनेशन में भी ये टॉपिक पक्का एग्जाम में मिला ही रहा होगा, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कहना ही क्या, इसके डायग्राम्स को तो भाई हमेशा आता है। और सबसे खतरनाक इसका सिग्निफिकेंट, किधर गया भैया इसका सिग्निफिकेंट, देखो यहां पे भाई अकेले को ना 3 मार्क्स को सिग्निफिकेंट पूछता है, तो इस चैप्टर में ना कुछ भी छोड़ के जाना, लेकिन कभी भी ना कभी भी डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट, बस इतना ही लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी कुछ भी नहीं, यहां से निकल जाओ, बाकी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, इतना कभी नहीं पूछता। सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट, सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है,
ठीक है, तो ये सारे यहां से इंपॉर्टेंट है, बाकी तो एपोमिक्स वगैरह कुछ नहीं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज सिग्निफिकेंट। आई होप आपने टिक कर लिया होगा, टिक करते जाओ क्योंकि मैं रुकने नहीं वाला। ठीक है चलो, बाकी सब कुछ भी नहीं आएगा। लास्ट का कहाँ गया यार वो पार्थिनोकार्पी, कहाँ गया पार्थिनोकार्पी? किधर है? हाँ इधर देखो, तो देखो पार्थिनोकार्पी फॉर 2 मार्क्स, बहुत छोटा आंसर है इसका। और पॉलीम्ब्रायोनी भी 2 मार्क्स, इसका भी बहुत छोटा आंसर है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इनके बीच में डिफरेंस बताओ, पार्थिनोकार्पी एंड पॉलीम्ब्रायोनी के बीच में डिफरेंस बताओ, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसको ध्यान देना अच्छे से, बाकी कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से, तो मैं वही चीजें आपको बताऊंगा एक्सरसाइज में से भी जो इसके पहले आपने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। तो देखो जरा सबसे पहले देखना कि वेरी शॉर्ट आंसर में बात करते हैं। देखो तो सबसे पहले ये डेफिनेशन करके जाओ, ये करके जाओ, फिर ये करके जाओ, और ठीक है, बाकी तो वन शॉट वैसे सब करना चाहिए तुम्हें, बट इसमें वैसे भी बता देता हूँ। ठीक है, फिलीफॉर्म अपैरेटस, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर की बात करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर में, ये वेरी शॉर्ट तो तुम कर ही लोगे यार, वेरी शॉर्ट में भी इंपॉर्टेंट बताऊं, ये तो मतलब मूर्खता वाली बात हो गई। लॉन्ग आंसर्स की बात करते हैं, देखो अच्छे जरा यहाँ पे ध्यान दो। देखो पहला ही क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। गाइज मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, डबल फर्टिलाइजेशन को छोड़ के मत जाना वरना पछताओगे। 3 मार्क्स और इसका 2 मार्क्स ना डायग्राम के लिए आता है, तो डायग्राम भी करके जाना। तो पहला क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर भी कर, थर्ड वाला क्वेश्चन भी कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें से, क्या बोलते हैं लॉन्ग आंसर में से। चलो ठीक है, बस इतना ही है, फिल इन द ब्लैंक करना रहे कर लेना। देखो ये लेबल द पार्ट अगर आ गया तो कर लेना, मैच द फॉलोइंग तो चिंदी चीज है, कर ही लोगे। ठीक है, इस बात को ध्यान देना अच्छे से। चलो तो इतना टॉपिक मैंने बता दिया, आई होप आपने टिक कर लिया होगा, अच्छे से टिक कर लो फटाफट, और उसी टॉपिक पे ज्यादा जोर दो, ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। आप सबने चैप्टर नंबर 1 के सारे टॉपिक टिक कर लिए? जल्दी जल्दी मुझे फटाफट बता दो, फटाफट सबने टिक कर लिया क्या, जल्दी बताओ। चलो सेकंड चैप्टर के बाद आपको एक सिग्मा रूल सुनाऊंगा, ठीक है, क्या सुनाऊंगा आप लोग को, एक सिग्मा रूल। लेकिन उसके पहले तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा सेकंड चैप्टर तक पहले बताओ कि चैप्टर नंबर 1 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, बायो आज तक पढ़ा ही नहीं है। अच्छा तुमने पढ़ा ही नहीं है, हाँ तो भजन करने का ना मंदिर में जाके घंटी बजाओ, यहाँ क्या कर रहे हो जिसने बायो अब तक कुछ पढ़ा ही नहीं है वो यहाँ क्या कर रहा है, उसको मंदिर में भेजो मंदिर में बैठ के भैया घंटी बजाओ जाके। चलो चैप्टर नंबर 2 की अब बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 2 में जरा यहाँ पे जरा देखो अच्छे से, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड ऑल, तो ये सब कभी नहीं पूछता। हाँ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट, ये भी कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आ जाओ अपने टेस्टिस के पास तो टेस्टिस का डिस्क्रिप्शन पूछेगा, बोलेगा डिस्क्राइब टेस्टिस एंड उसके डायमेंशन याद करके जाना, मतलब टेस्टिस कितना लंबा होता है कितना छोटा होता है, ठीक है, ये पढ़ के जाने का फॉर 3 मार्क्स। और ये एलएस ऑफ टेस्टिस बोला तो ये 3 मार्क्स के लिए बता देना, अगर टीएस ऑफ टेस्टिस बोला तो ये बता देना। भाई जहां तक है ना टीएस ऑफ टेस्टिस ही आने के चांसेस होते हैं, टेस्टिस के टीएस ऑफ टेस्टिस का ही चांसेस होते हैं ज्यादातर आने के, तो ये हिस्टोलॉजी एक्सप्लेन करने भी कह सकता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसको टिक करा देता हूं, तो ये पढ़ के जाना। आगे बढ़ते हैं, बाकी तो फिर कोई भी टॉपिक आ सकता है, ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड एक्सेसरी, ये तो कोई नहीं जानता, मत करो वैसे। आगे बात करते हैं, ये हमारे पेपर में 2 मार्क्स को आया था सीमेन, कि भाई सीमेन क्या होता है और सीमेन में कौन कौन से ग्लैंड का सिक्रेशन प्रेजेंट होता है, तो ये करके जाना, बाकी एक्सटर्नल जेनिटालिया एंड ऑल कुछ नहीं। एमसीक्यू तो कहीं से भी आएगा, वो तो मैं हम भी नहीं जानते भाई। आगे बात करते हैं, हम लोग को 2017 में टीएस ऑफ ओवरी का क्वेश्चन आया था, टीएस ऑफ ओवरी, तो ये सेम टू सेम एज इट इज डायग्राम तुम्हें बनानी पड़ेगी। आई होप अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आपको भी पता ही होगा, ठीक है। तो टीएस ऑफ ओवरी इस चीज को अच्छे से ध्यान देना, ये एग्जाम में आता है। और ओवेरियन हिस्टोलॉजी ऑफ मैच्योर फीमेल, तो ये जरूर थोड़ा सा करके जाना फॉर 3 मार्क्स, बाकी तो कुछ भी नहीं है, बाकी सब आप कुछ भी नहीं, ठीक है बस इतना ही है, इतना कर लेना। चलो हम आगे निकलते हैं, यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल किधर है, इधर है, ओके हाँ ये देखो यही तो है बाजू में, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ये इसका डायग्राम के साथ 3 मार्क्स को एक्सप्लेनेशन, प्लीज छोड़ के मत जाना इस चीज को, ये चैप्टर बड़े है ना तो ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे,
स्टार्टिंग के दो चैप्टर तो सबसे बड़े हैं, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, इसको अच्छे से समझ के रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है। फिर वो वजाइना क्या है, मेमोरी ग्लैंड है। हाँ, मेमोरी ग्लैंड कर लेना विद प्रॉपर डायग्राम। डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम। डायग्राम अच्छे से करके जाने का, बाकी कुछ भी नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आ जाओ फिर सीधा। अभी मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल किधर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इधर है। ये देखो, ये रहा मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने बच्चों को प्रीलियम में मिला था यहां से क्वेश्चन मेंस्ट्रुअल साइकिल का? मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्वेश्चन प्रीलियम में कितने लोग को मिले थे, जल्दी बताओ। हाँ, ध्यान देना। तो ये इतना पूरा लिख के दिखाने का, क्या लिखने का, 28 डेज का साइकिल, नेचुरल साइकिल, चार हार्मोन इसको कंट्रोल करते हैं, FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, दैट्स इट। और क्या लिखना ही है। इसके चार फेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, प्लोरीफेरेटिव फेज, एंड देन उसके बाद जब हमारा ओव्यूलेटरी फेज, एंड दिस लास्ट लास्ट वन, खत्म कहानी। तो ये सब कुछ अच्छे से फटाफट कर लेना, छोटे छोटे पॉइंट्स बस लिखना, खत्म, ठीक है, कुछ नहीं। फिर इसके बाद आ जाओ ये डायग्राम। भाई डायग्राम तो कोई भी आ सकती, कोई भी नहीं जानता, ठीक है। तो देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस और सेम तरीके से ऊजेनेसिस का डायग्राम भी होगा। किधर गया, देखो इधर है, देखो ये रहा ऊजेनेसिस का डायग्राम। तो ये करके जाने का अच्छे से, ठीक है। ऊजेनेसिस का डायग्राम और स्पर्मेटोजेनेसिस के डायग्राम को अच्छे से करके जाने का, जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी स्पर्म वगैरह की चीजें रिड्यूस है तो मत करना, आगे बढ़ते जाओ, बाकी कुछ नहीं। हाँ, और तीनों फेजेस भी समझाना, स्पर्मेटोजेनेसिस या ऊजेनेसिस के, कोई दो में से एक ही आएगा, या तो स्पर्मेटोजेनेसिस या तो ऊजेनेसिस, बाकी कुछ मत करो। फिर आ जाओ यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन में आ जाओ। अब देखो, ये जो सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन है, आप बोलोगे भैया सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन तो चैप्टर नंबर वन में भी था, तो वहां पे सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं था, वहां पे सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन था। तो अगर डबल फर्टिलाइजेशन बोला तो पक्का प्लांट की बात कर रहा है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन सिर्फ यहाँ पे हो रहा है, इस चीज को आपको अच्छे से समझ के रखना है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर 3 मार्क्स। बाकी कुछ भी नहीं, बाकी तो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट अगर आ गया तो कर देना, ब्लास्टुलेशन करना रहे कर लेना, गैस्टुलेशन ठीक है, सब कुछ कर सकते हो। हाँ, फेट ऑफ जर्माइनल लेयर, ये क्वेश्चन को मत छोड़ना। फेट ऑफ जर्माइनल लेयर मतलब जो हमारे इंडोस्पर्म, मीसोडम, सॉरी इंडोडम, मीसोडम एंड एक्टोडम जो है, इनके फेट को अच्छे से करके जाना। बहुत डर लग रहा है तो डरो मत, करने की कोशिश करो। फिर आगे की बात करते हैं, प्लेसेंटा। हाँ, ये टॉपिक कर लो। देखो, कभी कभी बड़ा क्वेश्चन में प्रेगनेंसी का टॉपिक भी पूछता है, जिसमें हम लोग बताते हैं कि ट्राइमेस्टर है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर क्या होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर क्या है, यानी कि 3-3 महीने का सेट को ट्राइमेस्टर कहते हैं, ठीक। वो भी पूछ सकता है, पर ठीक है, प्लेसेंटा करके जाना, ये डायग्राम करके जाओ, ठीक है। ये डायग्राम को छोड़ के मत जाओ। प्लेसेंटा क्या है, उसका काम क्या है, टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, मैंने कल इसको पढ़ाया भी था। फिर उसके बाद पार्चुरेशन, तो पार्चुरेशन का डायग्राम बहुत डेंजर है। देखो, ये इतना बड़ा डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। पार्चुरेशन मतलब बेबी का बाहर आना, तो कैसे कैसे आता है वो, 3 स्टेजेस में होता है, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज। पहले स्टेज में पूरा वजाइनल पार्ट डायलेट होता है, वाटर वगैरह चीजें है ना, उसको पूरा डायलेट कर देता है। देन वो मूवमेंट होता है, लेबर पेन होता है, देन उसके बाद पूरा बेबी बाहर आउट आता है। तो ये सब कुछ आपको समझा के रखा है। फिर लैक्टेशन में मिल्क प्रोड्यूस होता है, तो ठीक है। हाँ, अब आते हैं अपने इनमें से। अब इनमें से चाहे तुम कोई भी मैकेनिज्म बता देना भाई, कि कौन सा मैकेनिज्म है, इस बात को ध्यान देना। बट इंपॉर्टेंट चीज जानते हो कौन सी वाली है, ये दोनों, वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी। आज तक का रिकॉर्ड भाई कि 3 मार्क्स को कोई एक पक्का आया है। इवन हमारे, मैंने 2017 में आप लोग अपना 12th का एग्जाम दिया था, तो 2017 में हम लोग को वैसेक्टॉमी पूछा था। वैसेक्टॉमी का मतलब मेल के वैस डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, जिससे कि बेबी प्रोड्यूस ही नहीं होता है, ठीक है। तो बर्थ कंट्रोल का ये मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स आते हैं। अब आ जाओ एक्सरसाइज में, कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, बाकी सब तो रिड्यूस सिलेबस है। एमसीक्यू तो सब करके ही जाओगे, देखो एमसीक्यू में ये वाला एमसीक्यू करके जाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आंसर इन वन सेंटेंस कर लोगे तुम, इतने बुद्धू नहीं हो। फिल इन द ब्लैंक भी थोड़ी इंपॉर्टेंट कोई बताता है, शॉर्ट आंसर पूरा करके जाने का। आंसर दी फॉलोइंग में आ जाओ। अब देखो, तुमको जो जो उधर पे बताया ना, वही इधर भी है, पहले से ही लिखा हुआ है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, स्टेप्स इन पार्चुरेशन है ना, पार्चुरेशन के वो स्टेप्स नहीं क्या, वही किस तरीके से बेबी बाहर आती है, डायलेशन फेज, फिर प्रेगनेंसी वाला फेज, फिर लास्ट वाला फेज आफ्टर बर्थ, तीनों फेज बताने का। देखो, डिस्क्राइब द फेजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिख रहा है, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोगों को प्रीलिम में यहां से क्वेश्चन दिखा होगा।
देखो हिस्टोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ये क्वेश्चन देखो स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टुला तो ठीक है, अगर आ गया तो लिख देना, तुम्हारी किस्मत खराब, बहुत बड़ा क्वेश्चन का आंसर है वो। ये आरसीएच प्रोग्राम, ये किसी ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये बायोलॉजी का टॉपिक है, जनरल नॉलेज का टॉपिक है, तो इस क्वेश्चन को करके जाना। और कैपेसिटेशन वगैरह ठीक है, वेरियस मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल टू अवॉइड, ठीक है। हाँ ये वेरियस मेथड्स कौन कौन से मेथड्स है, तो वैसेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी अच्छे से बता देना, बस ठीक है इतना कर लो। लॉन्ग आंसर्स की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये दोनों क्वेश्चन करके जाना अच्छे से, ठीक है। चलो बाकी ठीक है, तो इतने क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंट है बस। यहां से 3 क्वेश्चन है, यहां से 2 क्वेश्चन है, ठीक है। यहां से कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, यहां से 2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन करने, इतने भी नहीं कर सकते तो तुमको कौन बचाएगा भगवान। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की चलो अब बात करती हैं, तो भाई इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि रीजन फॉर मेंडेल सक्सेस, भाई मेंडेल हमारे सक्सेसफुल कैसे हुए, तो इनके कुछ 7 रीजंस हैं फॉर 3 मार्क्स के लिए पूछेगा। यही रीजन है कि इन्होंने सबसे पहला पाइसम सैटाइवम नाम के जो हमारा ये रहता है ना, क्या बोलते हैं, पी प्लांट, उसको इन्होंने डिस्कवर किया, उसको इन्होंने सेलेक्ट किया था। यही देखो यहाँ पे डोमिनेंट एंड रिसेसिव फेज दिखाया है। फिर देखो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, जो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी भाई अब ये कोई नहीं जानता, 20 से 25 टर्मिनोलॉजी है, जैसे फिनोटाइप, जीनोटाइपिक, फिर फैक्टर्स, फिर बहुत सारे यार, 25 है ऐसे, 20-25 है। अब इतने सारे डेफिनेशन कौन बताएगा, हेटरोजाइगस है, प्योर लाइन है, अलील है, एलिलोमॉर्फ, जीन्स, मोर फैक्टर, ट्रेट, करेक्टर, कौन सा जानता है, दो दो लाइन के आंसर है, कौन इतना जानता है, कौन सा किधर से आएगा, तो ये सब आप पढ़ लेना, बाकी कोई नहीं। चलो आगे बात करते हैं। एक बोलते हैं भैया सिग्मा रूल भूल गए क्या? अच्छा ये चैप्टर के बाद सिग्मा रूल, ठीक ठीक है। चलो अब यहाँ देख लो, तो F2 जनरेशन, पनेट स्क्वायर, ये सब कर लेना। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट में, मेंडेल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे 3 लॉ आपको मिलेंगे, लॉ नंबर 1, लॉ नंबर 2, लॉ नंबर 3। देखो पहला लॉ इधर है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि अकेले 3 मार्क्स को पूछ सकता है। फिर दूसरा लॉ किधर गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, हाँ इधर देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसी पेज नंबर के अंदर भाई तीनों लॉ दिया हुआ है, ठीक है। पहला लॉ देखो इधर है, दूसरा लॉ इधर है, तीसरा लॉ इधर है। आप सब मुझे बताओ, आपके प्रीलियम में भी ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का आपको आया रहा होगा, गारंटेड भाई, कोई रोक नहीं सकता। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से तुम्हारे एग्जाम में पक्का क्वेश्चन मिले ही मिले रहे होंगे, गारंटेड मिले रहे होंगे, ठीक है। तो मेंडेल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पक्का करके देना अच्छे से, ठीक है, ध्यान देना। चलो ठीक है, तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अच्छे से करके जाओ, सबके सब बच्चे करके जाने का, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस सब बच्चे करके जाने का। चलिए अब आगे की बात करते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें से लॉ ऑफ डोमिनेंस ज्यादा पूछता है, पहला वाला ही, बाकी ठीक है। हाँ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, लगातार ना 2015-16-17 में लगातार बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में क्वेश्चन आया है। मतलब कभी कभी कैसे पूछता है, कभी कभी बोलेगा कि टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस में डिफरेंस बताओ, या तो सिर्फ बैक क्रॉस बताओ विद 1 एग्जाम्पल, या तो टेस्ट क्रॉस बताओ विद 1 एग्जाम्पल। तो करके जाना अच्छे से गाइस। जितने बच्चे यहाँ पे आए हैं बोलते हैं भाई सीएस वगैरह करके जाओ, तो भाई मैं पहले बता दूं कि जितने बच्चे मेरे को सीएस सीएस चिल्ला रहे हो ना, मेरे को किसी ने सीएस की पीडीएफ नहीं भेजी। मैंने बोला था कि सीएस का पीडीएफ भेजो भेजो भेजो, लेकिन नहीं, तो सीएस का पीडीएफ किसी ने भी नहीं भेजी, तो छोड़ो अभी। अब हम बात करते हैं गाइस डेविएशन फ्रॉम मेंडेल्स फाइंडिंग, ठीक है करना है कर लेना, आता है एग्जाम में, 2 मार्क्स के लिए आएगा, तो कर लेना, ऐसे बिना मन बोल रहा हूं मैं। चलो आगे बात करते हैं हम, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो हमारा यहाँ पे ना डेविएशंस में दो दो इंपॉर्टेंट डेविएशन है। पहला है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये 3 मार्क्स के लिए, और को डोमिनेंस, ये 3 मार्क्स के लिए, तो इनको मत छोड़ के जाना, ये दोनों क्वेश्चन आर मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो को डोमिनेंस एंड डोमिनेंस फटाफट टिक मार्क करते जाने का और आगे बढ़ने का, ठीक है। चलो बाकी कुछ नहीं, बाकी सब छोड़ दो, चलो ठीक है। प्लियोट्रॉपी के ऊपर आ गया तो तुम्हारी अच्छी बात है, किस्मत है। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, हाँ ऐसे पूछ सकता है। देखो यहाँ पे क्रोमोसोमल थियरी से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो एक आएगा क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ये खुद समझाने को, और या तो ऐसा कह सकता है कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझा के दो, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, यहां देखो ये, तो आपको फिर फंक्शन, उसके नंबर, ये सब आपको समझा के देना पड़ेगा। तो 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, अब कौन सा आएगा ये मैंने पेपर
नहीं बनाया है, बाकी कुछ नहीं। देखो यही है स्ट्रक्चर, देखो ये पूरा करके दिखाने का, मतलब पूरा बना के दिखाने का कि कैसा है ना, टिलोमियर क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, क्रोमोनेमेटा, तो सब अच्छे से करके जाने का। नाम आगे निकलते हैं, बात करते हैं लिंकेज की। गाइस अभी तक लिंकेज कभी पूछा नहीं है, एक बार 2018 में पूछ लिया था, तो लिंकेज के सिर्फ डेफिनेशन, और मैं तो कहूंगा ना सिर्फ इतना ही करके जाओ, ठीक है? आगे कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज अगर करना है तो कर लो, मेरा ऐसा मन कह रहा है कि कहीं इस साल पूछ ना ले, तो लिंकेज कर लेना, बाकी अब छोड़ दो सब, बाकी ना बीमारियों पे आ जाओ, बाकी कुछ मत पढ़ के जाना, ठीक है? बाकी ना बीमारियों पे आ जाओ, किधर की बीमारी भाई, सेक्स डिटरमिनेशन, नेक्स्ट कौन थी, हाँ ये देखो, डाउन सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करो, या तो थैलेसेमिया या तो फिर टर्नर सिंड्रोम, ये तो तीन बीमारी आपकी बुक में दिया है, या तो थैलेसेमिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर डिसीज, ये तीन में से चार में से कोई एक आ सकता है, तो ये आप लोग को 9th में भी था, मतलब ये इतना आसान है कि 9th में भी था ये। और हाँ एक बात और बताता हूं अपना, देखो सेक्स डिटरमिनेशन मेल है कि फीमेल है, तो वो जो सेक्स डिटरमिनेशन वाला पार्ट है ना, वो सेक्स डिटरमिनेशन का पार्ट, अब कभी कभी क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग का सेक्स डिटरमिनेशन का पार्ट बहुत आसान है, तो वो जल्दी नहीं पूछता, बट हनी बी, फिर उसके बाद वो किसी एक इंसेक्ट का, इन सब का पूछ लेता है, तो थोड़ा सा कर लेना, बस एक क्रॉस कराना है तुम्हें, इतना छोटा है, 2 मार्क्स के लिए आता है, बाकी चैप्टर नहीं है कुछ भी इसमें। अब देखो वेरी शॉर्ट आंसर तो तुम लोग करके ही जाओगे, लॉन्ग आंसर टाइप की मैं यहाँ पे आपको बात करता हूँ, मैच दी फॉलोइंग आप सब करके जाना। देखो तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो अच्छे से, देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोला था ना, वो तीनों लॉ में से आएगा, तो देखो यही वाला कर लो भाई, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कर लो। देखो भाई यहाँ पे देखो टेस्ट क्रॉस आ गया, ठीक है, और उसका सिग्निफिकेंस बोला था ना, ये 3 मार्क्स को कर लो, उधर भी बोला था इधर भी आ गया। फिर आगे नीट एंड लेवल डायग्राम के साथ देखो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्या बोला था कि आएगा ना, ये 3 मार्क्स को देखो आ गया। फिर देखो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस करना है तो कर लो, बहुत हार्ड टॉपिक है। डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, है ना, वो सारे के सारे टाइप्स जो है, तो ये करके जाना अच्छे से, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके ऊपर है कि भाई पार्थिनोजेनेसिस करना है तो कर लो, फिर तो डायहाइब्रिड क्रॉस करना, इट्स योर चॉइस कि तुम्हें कितने क्वेश्चन करके जाने हैं, बट मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन सा करना है, ठीक है? क्लियर हो गई बातें, समझ गया सब बच्चों को, किसी को कोई डाउट है, पक्का नो डाउट, चलो अब आगे निकलते हैं। तो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपको क्लियरली अच्छे से समझ चुका है, आई होप आपको यहां तक, मतलब चैप्टर नंबर 3 तक का सब कुछ अच्छे से आपने टिक कर लिया। अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। भाई सब कह रहे सिग्मा रूल सिग्मा रूल सिग्मा रूल, मेरे को कॉपीराइट आएगा उसका क्या? अगर मेरे को कॉपीराइट आ गया तब तो मेरी वाट लग जाएगी, है ना, फिर क्या करूंगा मैं। चलो ठीक, एक्साइटेड फॉर सिग्मा रूल, चलो बताओ एक बार जरा कितने लोग को सिग्मा रूल चाहिए भाई? सिग्मा उग्मा रूल कुछ नहीं है, बस एक ऐसे ही कल का मीम है, मैंने उसका मीम बना दिया है, उसके लिए तुम्हें इंस्टाग्राम में जाना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें इंस्टाग्राम में जाना पड़ेगा सर, पीडीएफ फॉर्म में नहीं मिलेगा। हसन टिक कर लो ना यार, पीडीएफ फॉर्म में ऐसे कैसे दे रहा हूँ, इसका पीडीएफ भी चलो भेज दूंगा तुम्हें, डोंट वरी, तो कर लेना, मैं जो सब यहाँ पे देखो ये पीडीएफ में लिखते जा रहा हूँ ना, मैं ये दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? चलो देखो, चलो आ जाओ, तुमको दिखाता हूँ मैं सिग्मा रूल, देखेंगे पढ़ाई लिखाई छोड़ के सिग्मा रूल देखें। आ जाओ दिखाता हूं, रुक जाओ, ये क्या खुल गया यार, सबर का फल मीठा होता है, ठीक है? दिख रहा है ना, ये इंस्टाग्राम में गया, ये मेरी प्रोफाइल, और देखो इधर बना के रखा है, आज ही बनाया,
इसका आवाज क्यों नहीं आ रहा भाई? ये आवाज नहीं दे रहा है। मैं 10th स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा था तो एक लड़का कहता है भैया अपना हाथ जगन्नाथ। मैं बोला भाई अब बात करते हैं असेक्सुअल वाले की। ओके असेक्सुअल वाला जो होता है जिस ये यूनिपेरेंटल है, जैसे कि देखो ये सब काम अकेले ही कर लेता है। मैं 10th स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा था तो एक लड़का कहता है भैया अपना हाथ जगन्नाथ। मैं बोला भाई ओके ओके समझ गया। चलो अब बाकी का सिग्मा रूल बाद में सिखाएंगे। चलो अब यहां से निकलते हैं, नहीं तो तुम लोग ना, हाँ जाके फॉलो कर लो यार फिर इसको। ये आइडिया एक किसी ने बंदे ने बना रखी है। अब अगर मेरे को इधर कॉपीराइट आया ना, फिर तुमको सिग्मा रूल में पहुंचा दूंगा मैं। ठीक है चलो, फिर से सुनना है, फिर से सुन लो एक बार, फिर स्टार्ट करता हूं। अब बात करते हैं असेक्सुअल वाले की। तो भाई असेक्सुअल वाला जो होता है जिस ये यूनिपेरेंटल है, जैसे कि देखो ये सब काम अकेले ही कर लेता है। मैं 10th स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा था तो एक लड़का कहता है भैया अपना हाथ जगन्नाथ। मैं बोला भाई चलो ठीक है, अभी आ जाओ, आ जाओ वापस से पढ़ाई के मूड में आ जाओ अभी। ठीक है ओके चलो लेट्स बिगिन। तो शुरुआत करते हैं, वापस से पढ़ाई के मूड में आ जाओ। चलो ठीक है, सब हो गया, सुन लिया तुमने। नेक्स्ट वाला इसके बाद फिर दूसरा बाद में सिखाऊंगा, ठीक है? चलो अब यहां देखो सब लोग। अरे खुश रहने का रे बाबा, ए सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। ठीक है, तुम्हारा बायोलॉजी का पेपर अच्छा ही जाने वाला है, हर बच्चा टॉप करेगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की अब बात करते हैं। अब फिर 3 4 चैप्टर के बाद, हाँ अब जब 9th चैप्टर बताऊंगा ना, 9th चैप्टर के बाद सिग्मा रूल सुनाऊंगा, एक और है। ओके क्लियर? चलो तो अभी नहीं, अभी जब भी ये चैप्टर हो जाएगा ना, जब ये चैप्टर हो जाएगा तो उसके बाद फिर करवा दूंगा, फिर सुनाऊंगा। अभी नहीं, जब पूरा 9 10 चैप्टर हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं भाई, खुश रहने का बहुत आगे जाने का। ठीक है चलो अब यहां देखो, तो अब इस चैप्टर के अंदर ना एक्सपेरिमेंट है स्टार्टिंग में, और इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। इधर देखो, ये बहुत से बच्चों को प्रीलियम में ये क्वेश्चन पक्का मिला रहा होगा, हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और मेरे टाइम पे मुझे क्वेश्चन आया था एवरी एंड मैकलॉयड एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें 3 मार्क्स को आते हैं और ये हमें करके देना होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट करके जाना, दोनों में से कोई एक एक्सपेरिमेंट आ सकता है, बाकी तो डिपेंड करता है कि कौन सा आएगा, वो तो मैं भी नहीं जानता। अब आगे बात करते हैं गाइस, डीएनए पैकेजिंग, बाकी तो कुछ नहीं, डीएनए पैकेजिंग। अब ये 3 मार्क्स को आता है, एटलीस्ट अगर आप इतना भी पढ़ के जाते हो तो भी अच्छे खासे आप मार्क्स निकाल लोगे, लेकिन पैकेजिंग इन डीएनए आसान नहीं है। पैकेजिंग अगर बोला तो आपको दोनों में समझा के देना पड़ेगा, या तो यूकैरियोटिक में या तो प्रोकैरियोटिक में, किसी में भी भाई बताना पड़ेगा, आपको अच्छे से समझा के देना पड़ेगा। देखो जैसे कि यहाँ प्रोकैरियोटिक है तो एग्जाम में पूछ लेगा कि पैकेजिंग प्रोकैरियोटिक में समझाना है या फिर यूकैरियोटिक में समझाना है, तो वो तुमसे पूछ लेगा। इस बात को आप समझ के रखो अच्छे से, डोंट वरी, इसका टेंशन नहीं लेने का। तो या तो पैकेजिंग इन प्रोकैरियोटिक या तो पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक, वो अपने हिसाब से बताएगा तुम्हें किसमें उसको जानना है, तो बता देना आप अच्छे से। चलो आगे की बात करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। तो गाइस डीएनए रेप्लिकेशन जो है इसके स्टेप्स आपको पूछेगा, स्टेप्स, और वो स्टेप्स 3 मार्क्स से कम के नहीं आएंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप्स आप लोग करके जाना अच्छे से। देखो कौन कौन से स्टेप्स है वो भी बता देता हूँ, हेट्रोकैटालिटिक, फिर ऑटो कैटालिटिक, ये सब करके जाना। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, देन पॉइंट ऑफ ओरिजिन्स, देन यहाँ पे अनवाइंडिंग, ये सारे स्टेप्स करके जाना पड़ेगा आपको। इन सारे स्टेप्स के छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने का, दो दो लाइन लिखने का बस, ऐसे यहां तक देखो 6 7 स्टेप्स हैं। लीडिंग स्ट्रैंड है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है ओकाजाकी फ्रैगमेंट, बाकी मत करना ऊपर का सब, मैं तो कहूंगा बस इस क्वेश्चन को करके जाओ, ओकाजाकी फ्रैगमेंट कर लो, दैट्स इट, खत्म कहानी। चलो अब बात करते हैं आगे की, द इंपॉर्टेंट वन इज सेंट्रल डॉगमा। मैंने कल भी आपको इस चीज को डिटेल में बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल डॉगमा, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन और द प्रोटीन सिंथेसाइजेशन फ्रॉम द डीएनए थ्रू द आरएनए इज कॉल्ड एज द सेंट्रल डॉगमा। तो ये चीज आपको अच्छे समझ के रखना है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि पॉलीपेप्टाइड दैट इज प्रोटीन की बॉन्डिंग, तो डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से पॉलीपेप्टाइड की बॉन्डिंग दैट इज
द बॉन्ड बिटवीन द अमीनो एसिड, तो कर लेना। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पूछेगा तो बता देना किधर गया भाई, अब खत्म करते हैं ये, इतना ही है। इसके आगे क्या रहेगा आपको पता है? इसके आगे रहेगा, एक मिनट बताता हूँ किधर गया। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन कोई भी एक पूछेगा, हाँ ध्यान देना जरा अच्छे से। चलो आगे निकलते हैं, चलो चलो। इंटेलो गेमिंग कह रहा है कि खुद सक्सेस पा ली तो ऐसा कह रहे हो कि सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। वाह क्या बात है, मैं भला ऐसा क्यों कहूंगा, पढ़ाई करो देखूंगा। सिर्फ 12th के परसेंटेज पा जाओगे जिस दिन, 12th में 98% भी आ जाएगा, 98% भी 12th में अगर निकाल लोगे, 12th में अगर 98% भी अगर निकाल लोगे तो भी देखूंगा कितने करोड़ रुपए सिर्फ 12th के दम पे कमाओगे। ठीक है, एक बात जिंदगी में याद रखना आज मेरी, अगर तुमने 12th के सिर्फ दम पे, सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के परसेंटेज के दम पे अगर तुमने अपनी लाइफ में 40,000 रुपए के महीने भी कमा के दिखाओगे ना, मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि यू आर बेस्ट वन। तुम्हें 12th परसेंटेज के दम पे तुम्हें 10,000 की नौकरी भी नहीं मिलेगी, इस बात को भी ध्यान देना। और कसम से कहता हूं, तुम 12th की बात छोड़ दो, अगर तुम इंजीनियरिंग भी कर रहे हो और बहुत अच्छे जगह से अगर तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, फिर भी तुम अगर 30,000 की भी नौकरी करके दिखा दो तो मैं तुम्हें बता दूं, इंडिया के अंदर करके दिखाओ, कहीं भी नौकरी करके दिखाओ। समझ में आया? इस बात को ध्यान देना। एक बार अगर तुम कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट से हो तो एक बार तुम्हें 20-25 हज़ार की नौकरी शुरुआत में पक्का मिलती है, पक्का। अगर तुम कहीं वहीं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से हो तो जल्दी स्कोप इंडिया में नहीं है, कंपनीज जॉब ही नहीं देती है 10-20 हज़ार के अलावा, 15 हज़ार शुरुआत की नौकरी है, इस बात को समझ के रखना। तो 12th के परसेंटेज का टेंशन लेके अगर तुम इतना बैठे हो, अच्छी बात है, पढ़ाई करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं तो पढ़ोगे ही ना, तो इतना ध्यान देना अच्छे से। तो कभी भी ये मत सोचो कि नहीं यार मतलब ऐसा, अरे भाई इतने बड़े बड़े आईआईटीयन तक, इतने बड़े जो 50-50 साल के एक्सपीरियंस्ड होते हैं बंदे लोग, वो आईआईटी के बंदे लोग तक अपने कॉलेज के परसेंटेज के दम पे कुछ नहीं करते, वो खुद का स्टार्टअप करते हैं और बिजनेस ही करते हैं, कोई कोई आईआईटीयन ही किसी के कंपनी में काम करता है जाके, इस बात को ध्यान देना जरा अच्छे से, तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूँ। तो अगर तुम वैसे पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन अगर फेल हो गए तो रिग्रेट नहीं करने का, मेरा कहने का मतलब वो है कि पता चला टेंशन वेंशन में आके फांसी लाके लटक गए। चलो ठीक है आगे निकलते हैं, बाकी मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे कौन क्या बोलता है भाई, यूट्यूब है, यूट्यूब के अंदर कोई कुछ भी बकते रहता है, क्या ही बोलेंगे। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, ये तो नहीं आता वैसे कभी, ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट यही कहीं था, हाँ देखो ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट ये और लैक्टोज ऑपेरॉन, ठीक है आगे दिखाता हूँ मैं कहाँ गया वो। एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स करना है कर लेना, ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है किधर गया लैक ऑपेरॉन, किधर गया लैक ऑपेरॉन का कॉन्सेप्ट आता है, देखो ये देखो यहाँ पे लैक ऑपेरॉन, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन बन गए, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, एवरी मैक्लॉइड, एंड देन हमारा उसके बाद हर्शन चेस, देन उसके बाद रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन के बाद हमारा जो पैकेजिंग इन डीएनए, पैकेजिंग इन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, देन आफ्टर दैट ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन एंड द लैक ऑपेरॉन। इतने टॉपिक आपको हमेशा समझ के रखना अच्छे से, क्लियर, चलो इस बात को ध्यान देना। चलो अब बात करते हैं जीनोमिक्स की, जीनोमिक्स करना है कर लो तुम्हारे हाथ में है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हाँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ जाओ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग शायद यहाँ रहेगा, वेरी शॉर्ट आंसर्स तो कर लोगे तुम लोग, दो दो लाइन के आंसर को, उसको भी इंपॉर्टेंट नहीं बता सकता मैं। इंपॉर्टेंट देखो डीएनए रेप्लिकेशन बोला था ना, यहाँ से आते हैं क्वेश्चन, फिर प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे देखो डिस्क्राइब लैक ऑपेरॉन बोला भी था कि आता है ये, ठीक है बाकी तो कुछ भी नहीं, बाकी कुछ भी नहीं, बस इतना ही है, अच्छा इतने दिया ही है, हाँ तो बस यही करके जाओ रे बाबा, इसके आगे मत करना। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन देखो, स्टार्टिंग के चारों पांचों कर लो, स्टार्टिंग के चार क्वेश्चन कर लो, स्टार्टिंग के चार क्वेश्चन कर लो, ठीक है
स्टार्टिंग के चार क्वेश्चन कर लो। कितने क्वेश्चन बोल रहा हूँ? चार क्वेश्चन। स्टार्टिंग के चार क्वेश्चन कर लो इस चैप्टर से, ये एक्सरसाइज की स्टार्टिंग के चार कर लो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बड़े क्वेश्चन सब अटेम्प्ट कर लोगे, छोटे क्वेश्चन कर लेना। बात करते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की। यहां से क्या पूछेगा यार, पूरा रिड्यूस है, तो आगे निकलते हैं। यहां से सब रिड्यूस है, यहां पे सब कट पिट कट है। लास्ट का टॉपिक कुछ है उसको कर लेना, आ जाओ दिखाता हूं वो क्या है, ह्यूमन इवोल्यूशन। तो यहां से ज्यादातर ना एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि वन सेंटेंस वाले, और डायग्राम्स तो कभी कुछ दिया नहीं है तो वो, तो ये सब पूछ सकता है, बाकी तो कुछ वैसे पार्ट इसमें है नहीं। ठीक है, ये क्लास मैमेलिया एंड ऑल मत करना, इतना टाइम वेस्ट मत करना, ये इतना बड़ा टेबल है कोई टीचर को भी याद नहीं रहेगा, इतना कौन नहीं करने वाला, ये नंगे पुंगे लोग खड़े हैं इनको कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, तो इनमें से कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इतना पूछ सकता है कि किस तरीके से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ। सो ह्यूमन इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ था, लैमूर्स वगैरह से किस तरीके से चीजें फॉर्म हुई, बस इतना पूछेगा। तो पांचवें छठवें चैप्टर में सब रिड्यूस है, यहां से ज्यादा कुछ नहीं आता है। अब बात करते हैं सिक्स चैप्टर की। इस चैप्टर की सिर्फ एमसीक्यू कर लेना जो रिड्यूस नहीं है उसके। मैं तो कहूंगा इस चैप्टर को 21 अपेक्षित सैंपल पेपर रहेगा, वहां से करना, ज्यादा कुछ नहीं। बात करते हैं प्लांट वाटर रिलेशन की, ये चैप्टर भी पूरा रिड्यूस है। इस चैप्टर से क्या करोगे, बस इतना ध्यान दो, वाटर एब्जॉर्बिंग द ऑर्गन एक क्वेश्चन, और प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ये हमारा 3 मार्क्स को पूछ सकता है, कितना चिंदी क्वेश्चन है। देखो डायग्राम जरूर करके जाना, स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, भाई 2 मार्क्स की डायग्राम है। डायग्राम कभी भी नीट एंड लेबल्ड तरीके से लिखने का, डायग्राम कभी भी नीट एंड लेबल्ड तरीके से लिखने का। रूट टिप शोइंग रूट हेयर जोन, तो ये वाला भी करके जाना अच्छे से फॉर 3 मार्क्स। तो डायग्राम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे भैया सब तो इंपॉर्टेंट बता रहे हो, भाई ये चैप्टर में ना एक ही पेज का टॉपिक है, ये कुछ सब रिड्यूस है बाकी का। स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर 2 मार्क्स, बस इतना ही है, खत्म, रिड्यूस सिलेबस बाकी सब। तो इस चैप्टर से सिर्फ इतना ही है। वाटर अवेलेबल फॉर रूट ऑब्जॉर्प्शन, इसमें देखो ये क्वेश्चन सच में मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। कैसे, देखो इसमें राइजोस्फीयर, ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, फिर यहाँ पे कंबाइंड वाटर, कैपिलरी वाटर, इतने सारे टाइप ऑफ वाटर अवेलेबल है फॉर द ऑब्जॉर्प्शन, इनमें से कुछ अवेलेबल है कुछ नहीं है, तो बस यही तक करना ही है, इतना ही है। क्या क्या बोला मैंने, वाटर अवेलेबल वाला, ये दोनों डायग्राम्स, और प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, भाई पानी की प्रॉपर्टी कौन नहीं बता देगा, पानी एक लिक्विड है, H2O इसका फॉर्मूला है, ठीक है, और ये हाइड्रोस्फीयर में प्रेजेंट है, ऐसी चीजें से बता सकते हो ना यार। वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन में रूट इज इंपॉर्टेंट वन, दैट्स इट, बस इतना ही करना है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना अच्छे से, तो चीजों को हमेशा माइंड में बिठा के रखो, इस तरीके से आपको समझ के चलना है। चलो अब आगे बढ़े, बस इसमें सब रिड्यूस है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना, स्टार्टिंग के सिर्फ 2 पेजेस ही पढ़ने, सब रिड्यूस सिलेबस है। चलो आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, चैप्टर नंबर 7 में आती है। चैप्टर नंबर 7 में भी बहुत कुछ रिड्यूस है, चैप्टर नंबर 7 में भी बहुत कुछ रिड्यूस है। तो चैप्टर नंबर 7 की भी बात करते हैं, भाई कोई टाइम स्टैम्प वगैरह लिख दिया करो कमेंट बॉक्स में, मैं उसको कॉपी पेस्ट कर दिया करूंगा, अच्छा लगता है। चैप्टर नंबर 7 भी पूरा रिड्यूस है, चैप्टर नंबर 7 ही घुमा रहा हूँ। ओके 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 इंटेलो, ओके इंटेलो गेमिंग, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, खत्म हो गया क्या? चैप्टर नंबर 7 में से बताता हूँ मैं, रुक जाओ, चैप्टर नंबर 7 किधर गया, इसमें से सिर्फ हार्मोन वाला पार्ट करके जाना है तुम लोग को। यहाँ पे देखो ग्रोथ हार्मोन, यहाँ पे देखो 7.9 टॉपिक्स, पेज नंबर 138, पेज नंबर 138 में आ जाओ, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन 7.9, सिर्फ इतना ही है, सिर्फ यही वाला करके जाना है, बाकी इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन ये टॉपिक यहां से करना है, तो आपको इसका मैंने नोट्स प्रॉपर तरीके से दिया है, उसी नोट्स से पढ़ लेना, मैंने सारी नोट्स टेलीग्राम में भेज दिया हूं, मस्त कर लेना, कड़क तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे कि ऑक्सिन्स है, फिर ऑक्सिन्स के बाद यहाँ पे जिब्रलिन्स है, इसे गिब्रलिन्स भी पढ़ते हैं, साइटोकाइनिन है, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे एग्जैक्टली इथाइलिन है, फिर उसके बाद एब्सिसिक एसिड है, फिर बस इतना ही है। तो 3 से 4-5 हार्मोन ही है, तो ये 3 से 4-5 हार्मोन्स को ही सिर्फ करके जाना है, ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है,
और कसम कसम से कहूँ ना तो एग्जाम में आने के चांसेस गिबरेलिन्स के या फिर ऑक्सिन्स के हैं, और मैक्स टू मैक्स एप्सिक पूछ लेगा बस, और या तो फिर चारों पूछ लेगा, और इसके दो से तीन तीन लाइन का आंसर आपको लिखना पड़ेगा, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। तो बस इतना ही है, पूरा सब रिड्यूस है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैं ये रिड्यूस बुक भेज दूंगा तुम लोग को, डोंट वरी डोंट वरी बी हैप्पी, डोंट वरी बी हैप्पी। चलो अब यहां देखो, चैप्टर नंबर 8, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। अब इस चैप्टर में से तुम लोग को इंपॉर्टेंट बताता हूं, जरा ध्यान दो अच्छे से। अब ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, नाउ लिसन केयरफुली प्लीज, ध्यान दो प्लीज, यहाँ देखो अच्छे सब बच्चे लोग। ठीक है, या श्योर गौरव दीक्षित में, अच्छा ठीक है, मैं आज अपनी स्टोरी तुमको बता दूंगा लास्ट में 5 मिनट में। ठीक है, 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है मैं बता दूंगा, बट पहले इंपॉर्टेंट पे फोकस करते हैं। एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा तो फिर बता दूंगा मैं, डोंट वरी, कोई बच्चा टेंशन मत लो। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ देखो अच्छे से, नाउ लिसन केयरफुली, तो रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन की बात करते हैं भाई। ये चैप्टर से ना मैं तो एक सजेशन दूंगा कि चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, ये तीनों चैप्टर के सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही करके जाओ। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही प्लीज करके जाओ, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन मत करो, टाइम वेस्टेज है। ठीक है, क्योंकि नहीं आते हैं क्वेश्चंस। फिर भी चलो बता देता हूँ, डायग्राम्स बता देता हूँ। ठीक है, चलो डायग्राम्स बता देता हूँ, बाकी सिर्फ एक्सरसाइज के करके जाओ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर है। 7, 8, 9, 8, 9, 10, 7 तो रिड्यूस है, 8, 9, 10 बहुत बड़े चैप्टर है, बहुत बड़े चैप्टर है। ठीक है, डरो मत, मैं आ जाओ बताता हूँ। देखो अच्छे से, सबसे पहले ये 3 मार्क्स की डायग्राम जो कभी नहीं आती है, बट स्टार्टिंग का ये वाला पार्ट कर लेना। दूसरा, यहाँ पे देखो लैरिंग्स का स्ट्रक्चर फॉर 2 मार्क्स आज तक कभी नहीं पूछा है, बट हमारे टीचर भी हमें इंपॉर्टेंट बताया करते थे। देखो एग्जाम में पूछ लेगा ब्रीदिंग का फंक्शन, तो बता देना, बाकी कुछ नहीं। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रियली रियली इंपॉर्टेंट है फॉर 3 मार्क्स, तो ये करके जाना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्विलस एंड कैपिलरी, तो ये क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स के लिए करके जाना, जो कि आप लोगों के लिए सच में इंपॉर्टेंट है, सच में इंपॉर्टेंट है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बाकी ये सब तो इतना सारा तुम कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारे लिमिटेशन के बियॉन्ड है। आ जाओ डायग्राम दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो ग्रैनुलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट्स, इनके डायग्राम्स, चाहे वो न्यूट्रोफिल हो, चाहे वो बेसोफिल हो, चाहे वो इओसिनोफिल हो, लिम्फोसाइट हो, मोनोसाइट हो, ये WBC के टाइप्स हैं, तो इनको पूरा अच्छे से कर लेना। ठीक है, आगे ध्यान देना अच्छे से। चलो आगे बताता हूँ, बाकी तो कुछ भी नहीं। हार्ट की वॉल, हाँ अब देखो हार्ट का स्ट्रक्चर, यार एग्जामिनेशन में हार्ट से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, और सबसे फेमस क्वेश्चन है उसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इन द सेंस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो बस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कर लेना, या तो फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कर लेना, आपके एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन पक्का रहा होगा, इस बात को आपको ध्यान देना। देखो ये है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, तो या तो इंटरनल स्ट्रक्चर करके जाना या तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर करके जाना, दो में से कोई एक पक्का आता है, गारंटीड आता है। तो बस मैंने बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। कंडक्टिंग सिस्टम तो इतना कुछ नहीं पूछता, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ही सिर्फ पूछेगा, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। बाकी हो गया, आ जाओ अभी एक्सरसाइज में आ जाओ। तो शॉर्ट आंसर आप सबको करके जाना है। देखो भाई प्लीज, बनाने आएगा इन द सेंस, क्या भाई 3 मार्क्स को गारंटेड क्वेश्चन है, ऐसा क्यों कह रहे हो बनाने आएगा कि नहीं आएगा, आपको करके ही जाना है, ये क्वेश्चन सच में इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, वेलकम गौरव, वेलकम वेलकम। आप सबको पता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। लॉन्ग आंसर्स की बात करते हैं, देखो लॉन्ग आंसर्स में कहां से आ सकते हैं क्वेश्चन, इसमें ना गिव साइंटिफिक रीजन भी रहेगा, तो वो भी देख लो पहले, आ जाओ पहले दिखाई देता हूँ एकदम यहाँ पे। सबसे पहला गिव साइंटिफिक रीजन अगर आया तो ये वाला जरूर करके जाना। सेकेंड क्वेश्चन, ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक ऑटोरिथमिक, कर लेना। आर्टरीज आर थिकर देन वेन्स, तो ये कर लेना, ये गिव रीजन में से। डिस्टिंग्विश बिटवीन, भाई मैं तो कहूंगा सब कर लो, क्योंकि ओपन एंड क्लोज्ड
आर्टरीज एंड वेन्स, ब्लड लिम्फ, ब्लड कैपिलरी लिम्फ कैपिलरी। स्टार्टिंग के दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार्टिंग के दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं तो कहूंगा कि डिफरेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन सब कर लो। इस चैप्टर में मैंने क्या ही बताया है, पांच क्वेश्चन तो बताया अब तक। इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, देन स्टार्टिंग का वो चेस्ट वाला, देन लैरिंग्स का स्ट्रक्चर, तीन डायग्राम हो गए, और अपना डब्ल्यूबीसी का डायग्राम, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, उन सब का डायग्राम, और डिस्टिंग्विश बिटवीन का डायग्राम, सॉरी डिस्टिंग्विश बिटवीन के क्वेश्चन। तो कितने कम क्वेश्चन अभी तक बताया है, बाकी शॉर्ट आंसर तुम खुद से करके जाओगे, ठीक है। बस अब यहां देखो, बड़े क्वेश्चंस में यहां पे देखो जरा अच्छे से। देखो 10वां क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, ये सब 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, मैं तो कहूंगा ये 4 क्वेश्चन इधर से कर लो। देखो ध्यान से, टोटल सारे के सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो लास्ट के प्लीज जरा ध्यान दो अच्छे से, लास्ट के 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूरे कर लो अच्छे से, लास्ट के 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूरे कर लो अच्छे से, एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन चारों कर लो। कितना आसान है, तीन तीन लाइन का आंसर है इनका यार, ठीक है। एंड गिव साइंटिफिक रीजन 2 कर लो, और डायग्राम जितने बताए वो कर लो, बस कसम से कहता हूँ इनमें फिर तुम्हें क्वेश्चन पक्का मिलेगा आंसर एग्जाम में, क्वेश्चन पक्का मिलेंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है, इस बात को ध्यान दो। मिरेकल बंदा एक है, वो कह रहा है भैया पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। भाई अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो अब मैं क्या करूं, इस वक्त हिम्मत मत हारो यार, हिम्मत मत हारो यार, हिम्मत मत हारो यार, मत करो प्यार। चैटिंग हो इंस्टाग्राम में, चाहे हो व्हाट्सएप में, क्यों नहीं सुनते हो, मान लो मेरी बात यार, ठीक है, तो होगी पढ़ाई अच्छे से, लेकिन अगर नहीं मानोगे बात तो कैसे काम चलेगा। अब पापा की परियों से भिड़े रहोगे तो काम कैसे चलेगा। एक बंदे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि भैया सबसे ज्यादा पैदा होते ही कौन उड़ता है। तो एक कहता है भैया चिड़िया, दूसरा कहता है ये खरगोश, तीसरा कहता है ये झिंगुर। मैं बोला भाई पापा की परी। पापा की परी तुरंत उड़ने लगती है। पापा की परियां इतनी खतरनाक होती है कि स्कूटी लेके रखेंगी और अपनी बाइक खुद ही ले जाके ठोक देंगी ट्रक वाले में, और फिर जब एक्सीडेंट हो जाएगा तो बोलेंगी ट्रक वाले ने मेरे ऊपर आके ठोका है। तो ऐसी होती है पापा की परियां। तो भाई बच के रहना सबसे, जिंदगी में सुबह उठते ही मैं भगवान से यही मनाता हूं कि सभी के दर्शन हो लेकिन पापा की परियों से दर्शन ना हो, क्योंकि पूरा दिन खराब चला जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देना है। चलो यार कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यार सच्चाई ऐसी होती है। एक बार मैं एक लड़की से मिला तो भाई मेरी फ्रेंड बन गई, वो अच्छी फ्रेंड बन गई। भाई उसको ना ऐसा था कि इतना मस्त अच्छी दिखती थी यार वो, मतलब उसको उसका फेस वगैरह देखोगे तो एकदम इतना ग्लो होता था क्या ही कहना। एक दिन क्या हुआ, रोड से हम लोग जा रहे थे तो बाजू में गाड़ी वाला आया, गाड़ी वाले ने टायर मारा, उसमें से जैसे नहीं कीचड़ आके उसके मुंह में पड़ गया, बेचारी ने धोया, तो भाई रियलिटी समझ में आई, भाई ये पापा की परी है, जंगल से उठ के चुड़ैल आई है, समझ नहीं आ रहा किधर से है। भाई मेकअप हटाने के बाद रियलिटी पता चलती है कि ये क्या चीज चल रही है, तब से मेरे को भरोसा नहीं होता। तब से ना मेरा दोस्त को मैंने ये स्टोरी बताई तो मेरा दोस्त क्या बोलते है, भाई अब से उसने आदत बना लिया है कि कोई भी लड़की अगर उसको मिलती है ना तो पहले बोलते हैं चल मुंह धो, पहले कुछ भी कर पहले मुंह धो के आ। तो बोलता है पहले मुंह धो के आ, तब भरोसा मानूंगा तू असली है कि नकली है। भाई पहचान में नहीं आते हैं लोग, अगर ये लोग ना गलती से अगर ये लोग मुंह मेकअप हटा दें तो ये पहचान में नहीं आते हैं कि ये लोग कौन है। तो इसके लिए ना ये हो जाता है। यार जितने भी गर्ल्स लोग हैं ना यहाँ पे मेरे को अपना पक्का दुश्मन मानते होंगे, ये लोग ना मेरे को मानते होंगे ये इतना गंदा आदमी है कि ये सिर्फ गर्ल्स लोग को रोस्ट करता है, बॉयज लोग का साइड हमेशा लेता है, सिर्फ गर्ल्स लोग का हमेशा रोस्ट करता है। यार ऐसा नहीं है यार, तुम लोग भी हंस लिया करो यार, तुम लोग को थोड़ी कहता हूँ, जितनी भी गर्ल्स लोग है, नारी शक्ति को मेरा प्रणाम। ठीक है, सभी नारी शक्तियों को मेरा प्रणाम, बुरा मत मानना यार, ठीक है, भावनाओं को समझो,
और तुम भी हंस लिया करो, फ्रैंक रहा करो, मैंने किसी का नाम लेके थोड़ी चुराया है। ठीक है, चलो ठीक है। तो सभी पापा की परियों को नमस्कार मेरा। अब आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। भाई पापा लोग ना सिर्फ गर्ल्स लोग को बहुत भाव देते हैं, हमारे लिए तो 24 घंटे जूते चप्पल निकाल के रखते हैं। ये पापा की परियां ना बड़ी खतरनाक है, थोड़ा सा नाटक कर देंगे, रोना धोना और 10 किलो का मेकअप तो पहले लगा के रखते, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया तो पूरे मेकअप को ऐसे ऐसे हाथ लगा के इधर उधर लगा लिए, तो वैसे भी भूतनी दिखने लगते हैं। पापा लोग को लगता है किसी ने बहुत मारा है, तो पापा लोग बड़े भाई के ऊपर छोटे भाई के ऊपर चढ़ मरते, भाई अभी कैके लिए मारा पापा की परी को। तो ये सारी चीजें होती है। तो कोई नहीं यार, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब चैप्टर की बात करते हैं, 9th चैप्टर है। अब देखो एक बात बता दूं, कोई भी बंदा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सारे चैप्टर नहीं कर पाएगा। कोई भी बंदा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सारे चैप्टर नहीं कर पाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो अभी आगे बढ़ते हैं, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। एक बंदा कहता है, भैया आपकी सिस्टर नहीं है क्या? मेरी सिस्टर थी लेकिन चली गई, जब ही 5 महीने की थी ना तभी चली गई वो। मैं बताऊंगा लास्ट में, आज अपनी स्टोरी तुम्हें सुना के जाऊंगा, ठीक है। 9वां चैप्टर है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलो तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। देखो यार मैं इतना बुरा नहीं हूं, कॉमेडी कर रहा हूँ यार, किसी को रोस्ट थोड़ी करता हूँ। ऐसा मत सोचा करो कि गर्ल्स को इतना रोस्ट करते हैं, मतलब कल मेरे को एक ने मैसेज किया, मतलब शी वॉज वेरी फ्रैंक एंड शी मैसेज्ड मी कि भैया एक बात बताओ, आप गर्ल्स को इतना रोस्ट करते हो, आप जिससे भी शादी करोगे उसको तो वो तो बेचारी एकदम रोने लगी है घर में, आपसे कोई शादी नहीं करने वाला। मैं बोला भाई अच्छी बात है कि शादी नहीं करेंगे। भाई अकेला रहना ज्यादा अच्छा है। क्या जरूरत है शादी करने की भाई, कुछ नहीं जरूरत है, कुछ मतलब ही नहीं है। हम अकेले रह लेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें। मैं बोला ठीक है यार। फिर मेरा फ्रेंड ने भी मेरा वीडियो देख रहा था कल, तो मेरा फ्रेंड बोलता है, भाई तू क्या है, तू सारे गर्ल्स लोगों को रोस्ट क्यों कर रहा है? मैं बोला भाई अरे कहाँ रोस्ट कर रहा हूँ यार, बोलते हैं तू कॉलेज का सिस्टम पूरा लेक्चर में लगा रहा है। कॉलेज में भी मैं सारे गर्ल्स लोग को बहुत रोस्ट करता था, कोई भी गर्ल्स ना मेरे से बात नहीं करते थे। मैं एक बार अगर क्लासरूम में पहुंच गया ना, ऐसे ऐसे क्लासरूम में मैं एक बार पहुंच गया ना, तो सारे गर्ल्स लोग ऐसे देखते थे, आ गया दुश्मन कहीं का। ऐसा बोलते थे, तू हमारा दुश्मन है। कि ऐसा देखते थे, आ गया, ये आ गया मतलब कुछ ना कुछ बोलेगा। अरे एक बार क्या हुआ यार, एक लड़की थी वो मॉडलिंग किया करती थी, मतलब उसको मॉडलिंग पसंद था, नहीं कि हम अभी मैं सुमया कॉलेज में, बहुत बड़े कॉलेज में, तो मॉडलिंग किया करती थी। तो भाई क्या हुआ ना कि शी वॉज लाइक कि एकदम बहुत ज्यादा मेकअप वेकअप ऐसे करके रखी थी, तो एकदम इधर से ऐसे ऐसे एयर लाइनर वीनर क्या होता है वो सब लगा रही थी, ऐसे ऐसे लाइनर वीनर सब कुछ लगा रही थी। तो अभी क्या हुआ, बाजू अभी कैसे सब क्लासरूम में ही कर रहे थे ना वो लोग, क्योंकि उनको थोड़ा सा मॉडलिंग करने बाहर फंक्शन में जाना था, तो क्लासरूम में कर रहा, हम लोग भी क्लासरूम में बैठे थे। तो मैं अपना बैग भी लिए मस्त टन टन जा रहा था अंदर, अंदर में घुस गया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कौन किधर आया है, कौन किधर क्या कर रहा है, मेकअप लगा रहा है कौन क्या, मेरे को क्या ही फर्क पड़ता है। मैं सीधा बैग लेके दंदन दंदन घुस गया अंदर। क्लास के अंदर घुस गया, वो लोग मेकअप कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने बोला ये, मैंने फिर देखा, मैंने ऐसे घूम के देखा ये क्या है, मैं बोला ये मेकअप की दुकान किसने लगा रखी है? तो बोलती है मॉडलिंग चल रही है, मेकअप की दुकान नहीं है। तो बोला ये खाली पॉकेट का 10 किलो का असली फेस दिखाने का, भाई मॉडलिंग करने जा रहे हो, नकली फेस क्या अगले दिखा रहे हो? वैसे भी मुंह धोएगी तेरा असलियत सबको पता चल जाएगा, काहे के लिए इतना सारा लगा रही है, 5 किलो का पैसा बर्बाद, किसी गरीब को पैसा देगी तो काम बन जाएगा। मैं बोला भाई क्या चल क्या रहा है। बेचारी ने रो दिया था, अपना मेकअप वेकअप लेके घर चली गई थी, मॉडलिंग छोड़ दिया था उसने। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की चलो बात करते हैं। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो इसमें से, हाँ जाओ यार छोड़ो यार, नहीं तो मैं बहुत रोस्टिंग कर देता हूँ, रुला देता हूँ यार लोगों को, मैं रुला देता हूँ, ठीक है। आ जाओ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो इसमें से ना डायग्राम्स पहले इंपॉर्टेंट देख लो, फिर बात करेंगे आगे की, जो डायग्राम सिर्फ इंपॉर्टेंट है। रिसेप्टर वाला टॉपिक रिड्यूस्ड है,
ठीक है, रिसेप्टर वाला टॉपिक रिड्यूस है, डायग्राम्स तो इसमें बहुत कम ही लग रही है मेरे को, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही सिर्फ करके जाना। देखो ये ब्रेन का डायग्राम, देखो यार व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, जब भी मैं 12th में था तो क्या हुआ था, जब भी मैं 12th में था तो वहां पे ये सभी टीचर कहा करते थे कि ब्रेन का डायग्राम बहुत आता है एग्जाम में, बट जब मैं एग्जाम लिखने गया तो वहां पे ब्रेन का डायग्राम बिल्कुल भी आया ही नहीं था, एक भी ब्रेन का डायग्राम नहीं आया था, क्योंकि यार इतना हार्ड ये पूरा कॉन्वलेशन कन्वर्जन वगैरह बनाना पड़ता है, ये सारे के सारे जो लेटरल चीजें हैं ये सब कौन बनाएगा, इतना सारा नहीं बनाने होता है, तो ये कर करके मत जाना, ब्रेन का डायग्राम मत करो, क्योंकि आएगा ना तो तुम बना भी नहीं पाओगे, इस बात को भी ध्यान देना, तो मैं तो कहूंगा मत करके जाना, बाकी आपके हाथ में, करना है तो कर लेना, नहीं करना मत करना भाई। तो इधर एक रहेगा यार स्पाइनल कॉर्ड, इधर गया स्पाइनल कॉर्ड, हाँ ये देखो ये करके जाओ, ये एग्जाम में आता, उसके बदले ये करके जाओ, उसके बदले ये स्पाइनल कॉर्ड करके जाओ, ये एग्जाम में आता है, ठीक है इस बात को ध्यान देना, बाकी सब तो रिड्यूस है। आगे बढ़ते हैं, जो रिड्यूस नहीं है सीधा एक्सरसाइज में चलने का, आईज और ईयर भी रिड्यूस है, मत करके जाओ, वो जो रिड्यूस है वो नहीं बताऊंगा, डोंट वरी। मैकेनिज्म, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें बहुत हार्मोन है यार, हार्मोन के बारे में पढ़ते जाओ उतना ही कम है ये भाई, इसको भूतनी को देख रहे हो भाई, ये देखो भूतनी को देख लो जय भवानी, इसकी आंखें तेरी आंखों का ये काजल, मैनू करे है पल पल घायल, ओ मैनू पल 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 नींद तेरी सतावेगी, ला 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 ठीक है अब सही लग रही है, बेचारी को बीमारी हो गया था, एक्सोथर्मिक ग्वाइटर कहते हैं इस बीमारी को, इसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक ग्वाइटर, इसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक ग्वाइटर, ठीक है ध्यान देना अच्छे से, देखो लिखा भी रहेगा कहीं पे, ग्रेव्स डिसीज, एक्सोथर्मिक ग्वाइटर, ये लोगों को ऐसी बीमारी होती है, तो ये एक्सोथर्मिक ग्वाइटर है, इसे अच्छे से समझ के रखना भाई, और भी इसको मैं टाइम नहीं है, वरना मैं इसको और कलर विलर कर देता, मैं इसको इतनी प्यारी बना दूंगा ना कि बड़ी खुशखबरी वाली खुशखबरियां मिलेंगी इसे, ठीक है इसे मैं बहुत प्यारी बना सकता हूं। चलो ऐसे और हो, बहुत मस्त दिख रहे, ठीक है अब तो एकदम सही दिख रही है, चलो ठीक है कोई नहीं, इसकी फोटो ले लो, टैग भी मार दो भाई, एकदम ड्राइंग मेड, ड्राइंग ड्राइंग मेड बाय मी ठीक है, तो ये इसका फोटो ले लो बढ़िया, एकदम टैग भी कर दो इंस्टाग्राम में जाके, तो ये इसको थैलेसेमिया हुआ है, चलो कोई नहीं इसमें से कुछ नहीं आने वाला, डायग्राम बिग्राम डायग्राम भाई नहीं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आ जाओ, वेरी शॉर्ट आंसर तो तुम पूरा ही कर लोगे, मैच दी फॉलोइंग कर लोगे, वेरी शॉर्ट आंसर सब कर लोगे, शॉर्ट आंसर भी कर लोगे, बड़े क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किधर गए भाई, देखो एग्जाम में तो क्वेश्चन आ भी गया, देखो यही देखो क्वेश्चन है, व्हाट आर दी टू टाइप्स ऑफ ग्वाइटर एंड देयर कॉज, फिर देखो ओवेरियन हार्मोन का क्या काम है, गाइस प्लीज आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कर लो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 तो मैच दी फॉलोइंग है तो कर ही लोगे, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी शॉर्ट आंसर्स, तो यार वेरी वेरी शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स एंड शॉर्ट आंसर्स कर लेना प्लीज, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटे क्वेश्चन है, 2 से 3 3 लाइन के आंसर्स हैं, प्लीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कभी बड़े क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछा जाता है, छोटे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इट्स माय रिक्वेस्ट यार कि छोटे क्वेश्चन प्लीज कर लेना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है बहुत ज्यादा छोटे क्वेश्चंस ही आते हैं, बड़े क्वेश्चन इसमें बहुत कम दिखेंगे आपको, आ जाओ फिर भी दिखा देता हूं बड़े क्वेश्चन किधर है, देखो अच्छे से बड़े क्वेश्चंस देखो किधर दिखा देता हूं, और बड़े क्वेश्चन आप कर भी नहीं पाओगे, देखो ये क्वेश्चन रिड्यूस है ये नहीं आएगा, एक्सप्लेन दी प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, नब से ठीक है मत करो इसको, मत करो एक्शन, नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, एक्सप्लेन दी रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एक्शन पाथवे विद द हेल्प ऑफ नीड, हां ये क्वेश्चन नंबर 4 कर लो, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड, क्वेश्चन नंबर 6 कर लो, बड़े क्वेश्चंस बता रहा हूं,
बाकी तो क्वेश्चन नंबर 7 ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन। देखो यार क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें से क्या होगा प्लीज ध्यान देना अच्छे से यहाँ, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। हेलो एवरीवन प्लीज लिसन केयरफुली, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन प्लीज ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 7 में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं किस तरीके से, नाउ लिसन केयरफुली। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 बोल देगा राइट डाउन द नेम्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस, और ऐसे 5 क्वेश्चन पूछ लेगा, और ये 5 मार्क्स के मिल रही है क्वेश्चन आ गया, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 1 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ठीक है। आप सबको समझा अच्छे से, क्लियर। तो राइट द नेम्स ऑफ द हॉर्मोन्स में ये इस तरीके के 5 क्वेश्चन कोई भी पूछेगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स को, इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो ऐसे क्वेश्चन को बड़ा समझ के छोड़ मत देना भाई, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स को। अब देखो ना कितना सिंपल है, ग्रोथ ऑफ थायराइड एंड सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन कौन करता है, 1 मार्क्स का आंसर है। समझा, ध्यान देना अच्छे से। ओके वेलकम गॉड जाधव, थैंक यू सो मच फॉर सुपर चैट। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, हाइपोथैलेमस मत करो ये, व्हाट इज एडिनो हाइपोफाइसिस करना है तो कर लो, आगे बढ़ते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 11 12 तीनों कर लो, बस इतने कर लो बस, बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब छोड़ दो। कावेरी सीईटी की बैच मैं 20 तारीख को लॉन्च करूंगा, मतलब 20-21 तक लॉन्च हो जाएगी, 20 से 21 तारीख तक सीईटी की बैच लॉन्च हो जाएगी, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी हम सब करवा के देंगे, टेंशन मत लो। अब बात करते हैं 10वें चैप्टर की, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस चैप्टर में भी बहुत कम डायग्राम है, तो चलो बताता हूं कि कहां से कौन कौन सा, इसमें से भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही सिर्फ करके जाओ, बाकी कुछ मत करो। देखो ये कर लेना स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी कर लो पेज नंबर 225, पेज नंबर 225 स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी प्लीज कर लेना, ठीक है, ध्यान दो अच्छे से, बाकी कुछ नहीं। ये तो ये एग्जाम में बना भी नहीं पाओगे डायग्राम, 3D डायग्राम है, 3D डायग्राम कभी नहीं आता एग्जाम में, ये भी छोड़ो। देखो यार इसमें से साइकिल, अब देखो जैसे कि स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्मोडियम, फिर लाइफ साइकिल ऑफ एंटामोइबा हिस्टोलिटिका, तो ये क्वेश्चन है, इनके क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी रहेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स कर लेना ये सब, आ जाओ दिखाता हूँ मैं सीधा एक्सरसाइज में लेके चलता हूँ। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये एड्स बीमारी, किसी को है तो बता देना। देखो यहाँ पे ये डायग्राम इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये हमारे 2017 के बोर्ड एग्जाम में ये डायग्राम आया था, स्ट्रक्चर ऑफ HIV, ये HIV का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ HIV ध्यान से देख लो अच्छे से। तो स्ट्रक्चर ऑफ HIV बोर्ड एग्जाम में हमेशा आया है, इसको करके जाना अच्छे से, ठीक है। चलो क्लियर हो गया मैं क्या कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान देना अच्छे से। आर्या गायकवाड़ करी, भैया मुझे हाइपरथायरॉयडिज्म है, डॉक्टर को कंसल्ट कराओ अच्छे से, ठीक हो जाओगी, डोंट वरी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ HIV ये करके जाना भाई, यही है HIV, वायरस है ये, ठीक है, ये वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम नाम की बीमारी को ये फैला देता है। चल अब आ जाओ एक्सरसाइज में, इसके कुछ इंपॉर्टेंट बताया जाए। देखो आपको हर एक चैप्टर के वेरी शॉर्ट आंसर्स, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स तीनों करके जाने हैं, मैं सिर्फ बड़े क्वेश्चन बताऊंगा। अब देखो आपको ना बड़े क्वेश्चन में पक्का सारे क्वेश्चन दिखेंगे। राइट नोट ऑन वैक्सीनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, देखो टिक भी करवाया था फॉर 2 मार्क्स के लिए, इसका स्ट्रक्चर पूछता है। फिर व्हाट इज कैंसर कर लेना यार, फिर उसके बाद डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम, डिस्क्राइब ऑल इफेक्ट, स्टार्टिंग के 5 पूरे कर लो। हम लोग को कैंसर वाला टॉपिक आया था, कैंसर आपको पता है गाइस हमारे भारत देश में टोटल 200 से ज्यादा टाइप का कैंसर होता है, बट फिर भी हमारे बुक में 10 टाइप का मिनिमम दिया है ना, ल्यूकेमिया है, फिर ऐसे बहुत से हैं यार, स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर, दुनिया भर के कैंसर होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे लोग को आया था 3 मार्क्स के लिए, तो आपको भी आ सकता है, कर लेना, बाकी बस हो गया इतना ही है। तो बस इतने ही क्वेश्चन करने, और लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्मोडियम, फिर इसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्मोडियम के बाद जो हमारा एंटामोइबा हिस्टोलिटिका उसका हमारा लाइफ साइकिल था उसको करके जाना है, और टाइफाइड का जो वायरस था ना सेलमोनेला टाइफी, सेलमोनेला टाइफी लिख लो कहीं भी,
सेलमोनेला टाइफी, उसकी उसकी डायग्राम करके जाना अच्छे से, ठीक है। एंटामोइबा हिस्टोलिटिका का लाइफ साइकिल, प्लास्मोडियम वाइवेक्स का लाइफ साइकिल, और हमारा जो सेलमोनेला टाइफी जिससे टाइफाइड होता है उसका डायग्राम, ये तीन चीजें करके जाना। बाकी का जो यहाँ पे मैंने बता दिया ये लॉन्ग आंसर कर लो, बाकी पे ध्यान मत दो। इट्स रिक्वेस्ट, आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। चलिए, कोई पूछ रहा बच्चा नीट के लिए कुछ होगा क्या? अब देखो बच्चा पार्टी, आपकी बातें यहां पे होती हैं खत्म। अब मैं आपको लेके चलता हूं फिर से अपने पहले पेज में, ठीक है। आ जाओ, लेके चलता हूं। आ जा ले चलूं तुझे तारों के शहर में, और वहां पे ले जा करके खाई में फेंक दूंगा, तेरा टकला भी फूटेगा, तेरी हड्डी भी टूटेगी, तू रोएगी चिल्लाएगी फिर नहीं जाएगी तारों के शहर में। आ जाओ इंडेक्स में। अब देखो यहाँ पे, अब देखो कंटेंट की बात करते हैं यार। आ जाओ, सबसे पहले स्टार्टिंग के जो 9-10 चैप्टर थे, स्टार्टिंग के जो 9-10 चैप्टर थे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। बट ये जो लास्ट के 5 चैप्टर है ना यार, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ये बहुत सिंपल चैप्टर है, मतलब ये इतने आसान चैप्टर है कि मैं क्या ही कहूं। और इनमें से ना तुम ठोक के खुद से भी लिख सकते हो, मतलब कि इन्वायरमेंटल बेसिस पे चैप्टर्स हैं, मतलब तुम खुद से भी लिखोगे ना तो भी तुम आराम से आंसर लिख पाओगे। बस इन सबके सिर्फ एक्सरसाइज करके जाओ, सिर्फ इन सारे क्वेश्चन के, सिर्फ एक्सर इन सारे चैप्टर के सिर्फ एक्सरसाइज करके जाओ और कुछ भी मत करो। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि देखो इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, फिर बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ये चैप्टर के नाम आपको देख के क्या लग रहा है? ये इकोलॉजी के चैप्टर है, दीज आर नॉट ऑफ द बायोलॉजी, ये इकोलॉजी के चैप्टर है। और इकोलॉजी के चैप्टर में आप इन्वायरमेंटल बेसिस पे खुद से भी सारे क्वेश्चन लिख सकते हो, बस आपको एटलीस्ट एक बार पढ़ के जाना पड़ेगा, मतलब मिनिमम एक बार तो रीडिंग जरूरी है ना। बिना रीडिंग के तुम खुद से लिखोगे, पूछा रहेगा कि कंस को किसने मारा, आंसर है कृष्णा, आप लिखोगे राम। कैसे काम चलेगा? कृष्णा और कंस का क्या रिलेशन है, वहां राम को तुम लोग डाल रहे हो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, ठीक है। एक की कहानी दूसरे से रिलेट करो बराबर, ठीक है। अभी मान लो अभी जैसे कि मान लो किसी कहानी में एग्जाम में कुछ ऐसे लिखना है तुम्हें कि पापा की परी ने ट्रक को मार के गिरा दिया, तो ऐसे थोड़ी होता है भाई, ट्रक ने पापा की परी को मार के गिरा दिया, ऐसे सच्चाई होती है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा समझ के रखने का, ऐसे एग्जाम्पल्स मतलब एक बार रीडिंग करोगे तो समझ में आएगा कि आखिर कॉन्टेंट क्या है, और ऑटोमेटिकली तुमको समझ में आ जाएगा, मतलब तुम्हें ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली तुमको सब कुछ समझेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, इस बात को ध्यान देना अच्छे से, क्लियर है। चलो, तो इन चीजों को आपको अच्छे समझना है। तो भाई खत्म हुआ हमारा कंप्लीट बायोलॉजी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि लास्ट के 5 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको कभी छोड़ के मत जाना एग्जाम में, अगर छोड़ के गए तो समझ जाओ कि तुम्हारी वाट लग जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम में इनको कभी छोड़ के मत जाना, इट्स माई रिक्वेस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, है ना। चलिए तो खत्म करते हैं अब सेशन को, अब सेशन को खत्म किया जाता है, ठीक है, आप सेशन खत्म कर देंगे। चलो सबको मेरी स्टोरी सुननी है, वाह मैं ऐसा क्या रखा है मेरी स्टोरी में, ठीक है। 21 से कर लूँ? हाँ कर लो, 21 से भी कर लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलो, और हाँ गाइस, जितने भी लोग सुन लो पहले ध्यान से, जितने भी लोग ना सुनो पहले ध्यान से, सुन लो पहले, जितने भी लोग ना ठाणे में हो, मैं ठाणे में कल आने वाला हूँ, ठीक है, मैं कल ठाणे में जाऊंगा सब बच्चों से मिलने, मैं कल या तो एनकेटी कॉलेज में या तो ज्ञान साधना कॉलेज में कल मिलने आऊंगा,
ठीक है, किसी भी बच्चे से मिलने आऊंगा, बट मैं पक्का आऊंगा, मतलब 110% आऊंगा, चाहे मैं किसी भी बच्चे से मिलने आऊं। ठीक है, ठाणे के, ठाणे में मैं रहता हूं, मैं मुंबई के ठाणे वेस्ट में रहता हूं मैं। ठीक है, अब ये मुंबई में आता है कि नहीं आता तुम जान लो। ठीक है, तो ठाणे के मैं या तो ज्ञान साधना कॉलेज में और या तो एनकेटी कॉलेज में कल आऊंगा। ठीक है, कल जब तुम्हारा पेपर हो जाएगा ना, उसके बाद वी विल मीट, तुम लोग से रिव्यू लूंगा, मिलके अच्छा लगता है, मिलूंगा, देन घर आ जाऊंगा। ठीक है, सो उसके एक ब्लॉग भी बना दूंगा, बढ़िया अच्छा खासा, तुम सब देख लेना। वैसे तुमने प्राशु ब्लॉग जाके देखा होगा तो समझ में आया रहेगा। तो कल हम लोग मिलेंगे फिर। कंप्यूटर साइंस का मेरे को किसी ने टेक्स्ट बुक की पीडीएफ नहीं भेजी तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैंने बोला था कि टेक्स्ट बुक की पीडीएफ भेज दो तो मैं पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ा दूंगा। भाई सिलेबस तो पता चले तुमको कितना है। तो कल मिलेंगे, ठीक है? 17 को पेपर है ना, तो आज 15 है, तो 16, मतलब कल का फिर से टाइम मिल गया तुम्हें। ठीक है, कल का भी तुम्हारे पास टाइम है तो फिर ले लूंगा यार, डोंट वरी। तो 17 को आ जाऊंगा फिर मैं। ठीक है, 17 को फिर आ जाऊंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, चलो। मेरी स्टोरी, मेरी स्टोरी, मेरी स्टोरी कितने लोग को सुनना है? सुनना है तो बताओ, 5 मिनट में बता दूंगा यार। फिर मैं इमोशनल हो जाता हूँ, मैं देख लो कितना खुश बंदा हूँ, मतलब मैं जिंदगी में कभी इमोशनल नहीं रहता, मैं एकदम ऐसा बंदा हूँ कि मैं हमेशा हंसते रहता हूँ, मतलब मेरे को लाइफ में ना रोना धोना बिल्कुल नहीं पसंद, और कोई रोता धोता है ना तो मेरे को वो इंसान भी नहीं पसंद, ऐसा है। मतलब ना तो मैं, मेरे पास कितना भी प्रॉब्लम रहे ना, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, और जिंदगी में ना समस्याएं, प्रॉब्लम सबके पास होती है, वो कभी कभी दिखाते नहीं है कि वो कैसे है ना, प्रॉब्लम सबके पास होती है, बस वो दिखाते नहीं है, खुश रहते हैं। सामने के जो हंसते हुए फेस के पीछे का चेहरा जो होता है वो अलग ही होता है, तो इस चीज को थोड़ा समझ के रखो। ठीक है, ऐसा होता है। तो चलो यार, नहीं सुनाता हूँ, खाली फुकड़ इमोशनल हो जाओगे। हाँ, कल मैं ज्ञान साधना कॉलेज आऊंगा। एल्फिंस्टन कॉलेज थोड़ा दूर है दिलजीत, वहां नहीं आ पाऊंगा, थोड़ा दूर है, अभी कौन आएगा सीएसटी साइड, तो अब मैं सीएसटी थोड़ी आऊंगा मिलने। ठीक है, चलो। तो स्टोरी स्टोरी स्टोरी, सबको स्टोरी सुननी है। छोड़ो यार, क्या करोगे अभी, मैं फिर बहुत इमोशनल हो जाऊंगा ऐसी चीजें। इट्स ओके। स्टोरी स्टोरी स्टोरी, ठीक है। हाँ, मैं मानपाड़ा में रहता हूँ। यस, चलो ठीक है। सबको स्टोरी सुननी है, सिर्फ सबको स्टोरी सुननी है। चलो ठीक है, बताता हूँ, शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। डिटेल में बताऊं क्या कि शॉर्ट में बताऊं? बोलो, डिटेल में बताऊं या शॉर्ट में? फटाफट बता के निकल जाता हूँ, जो तुम लोग बोलो। टाइम की भी कमी है ना, मेरे को भी लेक्चर में जाना है अभी, तुम लोग का 6 बजे वापस से लेक्चर भी लेना है। डिटेल में बताऊं? डिटेल में चलो ठीक है, 10 मिनट लगेगा। ठीक है, देखो क्या था कि मेरा बर्थ हुआ था 5 सितंबर 1999 को, 5 सितंबर 1999। ठीक है, 5 सितंबर 1999 को। तो आई विल ट्राई कि मैं बिल्कुल भी इमोशनल ना बनूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें, हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सी चीजें होती हैं। तो 5 सितंबर 1999 को मेरा बर्थडे है, ठीक है, हुआ था। तो क्या हुआ था एग्जैक्टली चीजें, कि मैं मध्य प्रदेश, एमपी, तुम्हारे महाराष्ट्र के बाजू वाला स्टेट, आई एम नॉट फ्रॉम यूपी एंड बिहार। ठीक है, तो एमपी में मेरा बर्थडे, मतलब वहां पे बर्थ हुआ। वहां का एक सतना करके जिला है, डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। हमारे गांव की लिटरेसी रेट की अगर बात करूं मैं तो बहुत ही कम है, मतलब अगर मान लो 1,000 पब्लिक है तो उसमें से सिर्फ 100 लोग ही पढ़े हैं, बाकी 900 लोग अनपढ़ हैं, मतलब हमारे गांव में आज भी यही हाल है। हमारे गांव में एजुकेशन को कभी भाव नहीं दिया गया कि एजुकेशन क्या होता है। मैं एक ब्राह्मण कम्युनिटी में पैदा हुआ था, तो हमारे में ऐसा था कि डिसिप्लिन, इन सबको बहुत फॉलो किया करते थे। हमारे गांव में एक रिवर है, वो रिवर बहुत बड़ी है, गंगा रिवर का नाम सुना रहेगा, उसी रिवर से ये टूट करके हमारे गांव में वो रिवर आई है। तो वो रिवर जो है ना, रिवर में बहुत ज्यादा पानी होता है। तो गाइस, 2000 ईयर में, अभी 1999 में मेरा बर्थ हुआ था 5 सितंबर को, तो 2000 में, 2000 में, 2000 में हमारे गांव में बाढ़ आई, बहुत गंदी वाली बाढ़ आई, जिसे तुम फ्लड कहते हो। तो फ्लड आई हमारे गांव में, हमारा जो घर वगैरह होता है वो कच्चा मकान हुआ करता था, है ना, ऐसा नहीं क्या, कच्चे वाले मकान, ऊपर कौला, तुम लोग मराठी में क्या मानता, त्याला, कौला, नहीं क्या, कौला छाया रहता है छत के ऊपर, है ना, वो तुमको पता रहेगा।
तो वो सारी चीजें हमारे घर में रहा करती थी, और मिट्टी होती ना सॉइल, मिट्टी के घर हुआ करते थे आज से 20 ईयर्स बैक, तो मिट्टी के घर हुआ करते थे। आई होप तुम्हें पता होगा महाराष्ट्र के मैं बहुत से गांवों में गया हूँ, वहां पर भी ऐसे ही रहता है, आज भी वही हाल है हर जगह, इवन चाहे वो एमपी हो चाहे महाराष्ट्र हो। अभी मैं मुंबई में रहता हूँ तो यहाँ अब सब सिस्टम फाइन है, अभी तो बढ़िया चीजें हो गई है, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ था चीजें कि वो मिट्टी के घर हुआ करते थे, तो भाई इतनी गंदी वाली बाढ़ आई कि नदी में से पानी उठ के हमारे पूरे गांव में आ गया। 2000, मेरे पैदा होने के जस्ट 1000, मतलब 1 साल बाद, ठीक है। तो एग्जैक्टली चीजें 2000 ईयर्स में क्या हो गया कि सारा का सारा बाढ़ आया और पूरा का पूरा घर के अंदर पानी भर गया, पूरे गांव के घरों में पानी भर गया, सिर्फ मेरे घर में नहीं, पूरे गांव का गांव में पानी भर गया, पूरे गांव के गांव में पानी भर गया, पूरे गांव में। और हमारे घर में जो खाने पीने को नहीं कह सकते, गेहूं चावल राइस वगैरह रहता है ना, वो सब पानी में डूब गया। अब पानी में गीला हो गया तो वो खाना वापस बना नहीं सकते ना, बह गया पूरा। तो जब वो पूरा का पूरा बह गया, पूरा घर गिर गया, मिट्टी का पूरा घर गिर गया, ठीक है, ऐसा था। तो अभी क्या था, पूरे गांव की सिचुएशन ऐसी हो गई कि हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे पानी में बह के बह गए, मतलब मर गए, ऐसा समझो। अभी क्या बोलूंगा, गांव में गाय भैंस बकरियां होती थी लोगों के घर में, वो भी बह गई, नहीं कि बड़े बड़े बफेलोज एंड काउज होती थी, गाय वगैरह, वो सब भी क्या हो गई, बह गए पानी की बाढ़ में, सब बह के मर गए। हम लोग इंसान लोग ने क्या किया, मेरे मम्मी पापा ने हम लोग को बता रहे थे कि हमारे यहाँ ब्रिज है, जो जो डैम है, डैम के ऊपर ब्रिज है, उस ब्रिज में आके हम लोग बस वेट कर रहे थे कि बाढ़ जाएगी। हम लोग लगातार 10 डेज तक, जब तक बाढ़ गई नहीं तब तक वहीं पे थे। और आज से 20 ईयर्स बैक कोई भी गवर्नमेंट एंड ऑल कुछ कोई नहीं होता था वहां पे, कोई हेल्प नहीं किया। 20 साल पहले कौन हेल्प करता था, हेलीकॉप्टर से कौन खाना देने आएगा क्या उधर, कुछ नहीं होगा, ऐसी चीजें हुआ करती थी। तो यार क्या हुआ, धीरे धीरे अब सबके घर बह गए, हम लोग सब बेघर हो गए, किसी का घर नहीं था, सब बिना घर। तब वहां से क्या हुआ, बहुत सी चीजें हुई, मैं तो पैदा हो ही चुका था, तो मेरे घर में अब जब बाढ़ गई, बाढ़ चली गई, तो वापस से पूरी जमीन एकदम प्लेन हो गई, एंड हम लोग की जमीन वैसी के वैसी सब प्लेन हो गया, सब प्लेन हो गया, सब घर गिर गया, फसल सब खत्म, घर के अंदर जो खाना था वो खत्म, क्योंकि सब बह गया ना पानी में। अब क्या कर सकते हैं, ऐसी ट्रेजेडी हुई खतरनाक वाली, तो सब कुछ खत्म हो गया। वैसे भी मिट्टी के घर थे तो सब खत्म, सब बह गए। अब क्या हुआ, कुछ दिनों बाद जब हम लोग बाढ़ से उतर के जाके देखे वहां पे, तो कुछ है ही नहीं, घर में कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, लकड़ी ली, मेरे पापा ने लकड़ी वगैरह ले करके, एक नहीं क्या गांव में लकड़ी के घर होते हैं, खंबे लगा दो लकड़ी के पोल ऊपर से, देखो खेतों में तुम लोग के भी होंगे, तुम लोग खेत कर ही रहोगे, अगर फार्मर्स हो तुम्हारे खेतों में, देखो खेती को देखने के लिए कि कोई जानवर खेती खाना नहीं चाहिए, है ना, तो वो खेती को देखने के लिए तुम लोग भी खेतों में बना रखे होंगे, ऊपर बैठते हो, नहीं क्या चार डंडे होते हैं, चार डंडे के ऊपर वो लगा दो, बस वैसा घर था जिसे तुम लोग कुछ तो कहते रहोगे, है ना, वो होता है, मतलब नहीं क्या घास होती है, घास का घर बनता है वो, वैसा हम लोगों ने सबने घर बना लिया। अब वो घर ना हर एक बारिश आती, हम लोग 3 साल वैसे ही घर में रहे, कुछ नहीं कर सकते ना, सब सिस्टम खत्म, बाढ़ में सब बह गया, 3 साल तक वैसे घर में रहे, और हर 6 महीने में वो घर बनाना पड़ता था, इसे झोपड़ी जिसे कहते हैं, हाँ हिंदी में झोपड़ी बोलते हैं, तो वो झोपड़ी में। अब क्या हो, जब जब बारिश आती ना, जब जब बारिश आती तो वो जो झोपड़ी थी बह जाती, क्योंकि झोपड़ी तो उड़ जाएगी ना, हवा तूफान आएगा तो फिर से सब सिस्टम। तो हम लोग पेड़ों के नीचे बैठते, कुछ भी नहीं यार, एक पानी पीने की ग्लास तक भी घर में नहीं, समझ लो, वो भी बह चुकी है, मिट्टी की ग्लास होती है वो तक हम लोग के घर में थी क्या। और उसी टाइम पे 2000, आई थिंक 2004 वगैरह में, आई थिंक हाँ, या उसके पहले, मेरे दादाजी की डेथ हो गई, मतलब कि दादाजी की डेथ हो गई, वो है ही नहीं घर में, तो मेन कोई घर में है ही नहीं, जब कोई घर में है ही नहीं तो अब कौन घर संभालेगा, कोई घर नहीं संभाल सकता, तो पूरा सिचुएशन सब बिगड़ गया। तो मेरी जो दादी जी थी, मैंने ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर क्या हुआ, वो ना मांगने जाया करते थे, मतलब कि घर में खाना है ही नहीं, घर खुद नहीं है, कोई गवर्नमेंट हेल्प करने वाली नहीं, नो वन इज देयर टू हेल्प अस, पूरे गांव में यही सिस्टम चल रहा है। तो क्या हुआ एग्जैक्टली कि मेरी दादी जी जाती और वो सुबह जाती वहां से मांग करके लेके आती रोटियां एंड ऑल, जो भी मिलता, जो भी हम लोग को मिलता वो हम लोग को लाके खिलाते थे। मेरे घर में पापा वगैरह को कौन काम देगा, सब सब अनएजुकेटेड है, ठीक है, सब चीजें ऐसी हो गई, मतलब स्कूलिंग किसी की नहीं हुई थी। फिर क्या हुआ, अब देखो शुरुआत होती है कहानी, इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ की। जब 2005 आया, 2005 करीबन मैं 5 से 6 साल का हो चुका था, ठीक है, तो
हमारे गांव में एक मंदिर बना, मंदिर मंदिर पता है, मंदिर आपको पता ही होगा, तो मंदिर बना, उस मंदिर में ना बजरंग बली आपको मालूम है, हनुमान जी की मूर्ति रखी गई थी, हनुमान जी की मूर्ति रखी गई। तो क्या हुआ कि वहां पे एक बहुत बड़ा ट्रस्ट था, ट्रस्टी लोग होते हैं ना, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है मंदिर बनाने का। तो मंदिर में ना क्या हुआ, कहानी वहां से शुरू होती है कि किसी को खाना था नहीं, लेकिन हम लोग कैसा ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो गरीबी तो तुम लोग समझ गए अभी कैसी है, कि सब लोग मांगने जाते थे तब जाके घर में खाना होता था, रहने को घर नहीं है, पेड़ों के नीचे हमने झोपड़ी बना के रहते थे, ऐसी चीजें हुआ करती थी। तो क्या हुआ कि जो मंदिर था ना, अब हम लोग डिसिप्लिन से हमेशा रहते थे, भाई झोपड़ी नहीं है कुछ नहीं, फिर भी हम सुबह नहाएंगे, शाम को पूजा करेंगे, सुबह पूजा करेंगे, किसी से हमको किसी का नुकसान नहीं करना, हमें खुद की जिंदगी में देर जीना है, बस यही सिस्टम था। तो हम लोग को मंत्रणाल सब आया करता था, मतलब कि एग्जैक्टली क्या होता है कि जो मंत्र थे हम लोग को सारे आते थे। तो मेरे पापा को क्या हुआ कि वहां से उनको भी सारे मंत्र वगैरह आते थे, तो उनको पूजा मिल गई ट्रस्टी के यहाँ पे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, मंदिर में पुजारी का पूजा मिल गया। तो वहां पे जब ही पूजा मिल गई ना, तो वो पूजा क्या करते थे, तो वहां से क्या होता था कि हर महीने 20 kg राइस पूजा के बदले, और 20 kg हर महीने या वीट मिला करता था। मतलब जस्ट 2005 की बात कर रहा हूं मैं, 2005 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये मिला करता था, ठीक है, ये इतना मिला करता था। तो उससे ना हम लोग को कम से कम एक ऐसा हो गया कि कम से कम पूजा करेंगे, कम से कम पेट भर के खाएंगे। तो हमारे घर में मेरे चाचा, मम्मी, दादी जी, फिर पापा जी, सब लोग बैठ के, मतलब कम से कम इतना मिलने लगा, तो सब खाने लगे अच्छे से। फिर क्या हुआ, 2006 एंड ऑल में, मतलब सबको लगा कि अब कुछ नहीं कर सकते, मेरे पापा को ऐसा लगा, वो पूजा करने लगे ना, तो उनको दिमाग आने लग गया, और ऐसा उनको लगा ना कि अब मेरे को ना मेरे बेटे को भी पढ़ाना चाहिए, कुछ अच्छी चीज देनी चाहिए। तब तक मैं क्या करता था, मैं गुरुकुल में पढ़ता था, मैं गुरुकुल में पढ़ता था, ठीक है, गुरुकुल में जहां पे मंत्र वगैरह सिखाते हैं, बस वैसा नॉर्मल शिक्षा गुरुकुल में पढ़ा करता था, ठीक है, ऐसा सिस्टम था। फिर क्या हुआ, मेरे पापा ना 2006 में मुंबई आ गए, यहाँ पे मेरे फादर को 100 रुपए की नौकरी मिली, 100 रुपए नहीं थे, आई थिंक 180 रुपीज थे, सॉरी 180 रुपए मंथ का, 2006 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 180 रुपीज इतने मंथ की सैलरी मिलती थी। तो पापा अभी कैसा, बिल्डिंग में मेरे पापा सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, ठीक है, यहाँ पे आ गए, सिक्योरिटी गार्ड का मेरे पापा काम करते थे, तो वहां पे उन्हें 200-300 रुपए की सैलरी का फिर मिलने लगा, फिर बढ़ने लगा, तो 1000 रुपीज हो गया था। फिर क्या हुआ कि अभी बाबा बिल्डिंग में काम करते थे, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है मुंबई में, तो बिल्डिंग में काम किया करते थे, तो उनको, उन्होंने बिल्डिंग के बेटे लोग को देखा होगा कि उनके बेटे पढ़ रहे हैं, वो भी मेरे एज के हैं, तो उनके बेटे लोग इतना पढ़ रहे हैं, इतना आगे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा है, सब लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरे पापा के अंदर से मन में आया होगा ना कि मेरा भी बेटा इतना ही बड़ा है, और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उसको इतने बड़े स्कूल में पढ़ा सकूं या अच्छी नॉलेज दे सकूं जिससे कि वो भी आगे जाएगा। तो वो ना 1 साल रुके, 2 साल रुके, 3 साल रुके, बट वो हमेशा वही बिल्डिंग में देखा करते थे कि क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें। तो उनको एक दिन ऐसे लगा कि अभी ना मेरे को मेरे बेटे को लेके आना चाहिए यहाँ पे। और तब तक जब मेरे पापा वहां से आ गए ना यहाँ पे, तो वहां पे जो घर मंदिर था, वो मंदिर में पूजा मैं क्या करता था, मतलब मैंने अपनी जिंदगी के छह, जब मैं 6 ईयर का था ना, 7 ईयर का था, तब मैंने अर्निंग स्टार्ट कर दी थी, तभी की एज से ही मैं काम करना चालू कर दिया था। कैसे, मैं खुद से नहीं करता था, मेरी मम्मी मेरे से करवाती थी, मतलब मेरी मम्मी वहां पे पूजा करवाया करती थी, तो इनडायरेक्टली मैं ऐसा कह सकता, मैं खुद से नहीं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल वन एट दैट टाइम, ठीक है। सो उस टाइम पे मेरी मम्मी मेरे हाथ पकड़ के एंड ऑल मेरे को सिखाया करती थी, एंड मेरे को पूजा सिखाती, एंड देन मैं पूजा करता मंदिर में, क्योंकि वहां पे फीमेल को पूजा नहीं करने देते थे, पता नहीं क्यों ऐसा हमारे सोसाइटी के मेंटालिटी है कि फीमेल को पूजा नहीं करने देते, तो मेरी मम्मी ने मेरे से करवाती थी, तो मैं बजरंगबली की पूजा किया करता था, और उसके बदले हमें वो 20 kg का जो था सिस्टम, वो हमें मिलता था, तो उससे हम लोग घर में खाना पीना अच्छे से खा लेते थे, और यहाँ पे ना पापा आके काम करते थे। फिर क्या हुआ कि मैं 5th स्टैंडर्ड तक, मेरे स्कूल तो हुई नहीं, मैं कभी 5वीं तक स्कूल गया ही नहीं, मेरी स्कूलिंग कभी नहीं हुई है, अब स्कूल में कैसे जाएंगे, फीस कहाँ से भरते हैं हम लोग, गवर्नमेंट भी इतना कुछ हेल्प नहीं करती, हम लोग ओपन कैटेगरी से ब्राह्मण लोग भी, तो हमको कोई फीस में फ्री में नहीं देता है, सबको लगता है कि ब्राह्मण सिर्फ अमीर ही होते हैं, ऐसा लगता है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता ना यार, ठीक है। तो हमको कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई भी ऐसा दे देगा कि चलो हेल्प कर देगा, तो मैं 5वीं तक मेरा कभी स्कूल नहीं गया, मैं नेवर, मतलब कहीं स्कूल नहीं गया, ऐसा था। फिर क्या हुआ कि पापा बोले चलो अब यहाँ पे लेके आऊंगा, तो यहाँ पे लेके आए, जब यहाँ पे लेके आ गए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल थे, मैं 5th स्टैंडर्ड में आया, मैं 6th में जिंदगी में पहली बार स्कूल गया, दैट वाज, मतलब ऐसा था कि मैं पहली बार स्कूल जा रहा हूँ, ड्रेस वगैरह पहन के, मतलब
अच्छा लगा था मुझे वो दिन, मेरे को हमेशा याद रहेगा। अब छठवीं में हम सब याद रखते हैं यार, हम सबको याद रहता है पूरा कहानी है, ऐसा क्या है हमारे लाइफ में क्या हुआ होता है। कि जब मैं सिक्स्थ में स्कूल गया तो मुझे ऐसा लगा वाह मैं स्कूल जा रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है ना मैं स्कूल में जाने वाला हूँ। तो मैं फिफ्थ में मेरे पापा मुझे मुंबई लेके आए, उस टाइम पे मेरे पापा की सैलरी 3,000 रुपीज थी, हम लोग मुंबई के रेंट के रूम में रहा करते थे ठीक है। एंड बस पापा तभी भी सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, पापा मुझे ट्रेन से लेके आ रहे थे, ट्रेन में हम लोग गांव से मुंबई आ रहे थे, मैं और सिर्फ पापा आए थे, मम्मी और मेरा भाई वही थे। तो मैं और मेरे पापा यहाँ अकेले रहते थे, मतलब मेरे पापा काम को जाते तो मैं यहाँ पे मुंबई में अकेले रहा करता था ठीक है। सुबह स्कूल जाता, तब से आदत थी कि मुझे खुद से खाना बनाना है और सब कुछ, मैं जब सिक्स्थ में था तब से मैं खुद से सब अकेले कर रहा हूँ, ऐसा चीजें थी। तो फिर क्या हुआ कि जब पापा मुंबई से लेके आ रहे थे, पापा ने मेरे को एक बात कही, जिंदगी में ऐसा एक बात कही यार कि वो मुझे कभी नहीं भूल सकती, और वो मैं तुम्हें बताता हूँ। पापा ने बोला कि तुझे मुंबई लेके जा रहा हूं, वहां से चाहे ना तो अपनी जिंदगी बना लेना और चाहे तो अपनी जिंदगी बिगाड़ लेना। तब मैं छोटा था तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता था कि मैं कैसा हूं, और चाहे तो तू खुद को अच्छा बना लेना, वो ऐसी जगह है ऐसा शहर है जहां से तू तेरे को एकदम बहुत बेस्ट बना सकता है, अपने परिवार को, अपने घर को, अपनी सिचुएशंस, सब कुछ तो अपने आप को एकदम धमाकेदार तरीके से बना सकता है, और या तो तू खुद को बिगाड़ लेना। ये चीजें पापा ने कही, तब तो कुछ समझा भी नहीं, बट वो चीजें याद थी। जब 9th और 10th में आया तो वो बहुत सारी चीजें ऐसे पता चली यार कि क्या सिचुएशन है और कैसी सिस्टम है, जिंदगी कैसी है, बहुत अजीब लगता था यार ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई, कोई नहीं, धीरे धीरे सब कुछ चलता गया चलता गया चलता गया। मैं 10th में गया, जब मैं 10th में गया तो क्या हुआ एग्जैक्टली, मैंने अच्छी खासी पढ़ाई की, मुझे 10th में 91% मिले, आई वॉज सो हैप्पी यार कि चलो इतना चीजें हुई, और 91% मिले तो मुझे 11th एंड 12th में कम फीस में मेरा एडमिशन हो गया। जब मैं 11th एंड 12th में गया तो मेरी फीस सिर्फ 3,000 थी, हालांकि वो जो रिजर्वेशन वाले हैं उनसे कमी ज्यादा ही है, उनके तो 500 रुपए थे, बट ठीक है, मैंने मैंने सिर्फ 3,000 में वहां पे पढ़ लिया, अच्छी बात हो गई। 12th के अंदर जब मैं गया, आई गॉट 93% इन 12th स्टैंडर्ड, तो पीसीएमबी में अच्छे खासे मार्क्स थे, तो मेरा फिर से मेरिट लिस्ट में नाम आ गया ठीक है। देन सीटी में 150+, तो अच्छे खासे एडमिशन हो गया अच्छे कॉलेज में, कम पैसे में एडमिशन हो गया, जहां पे लोग 1.5 लाख रुपए भर करके एडमिशन लेते हैं, वहां पर 30 से 40,000 में मेरा एडमिशन हो गया, भले मैं ओपन कैटेगरी से था। तो ये सारी चीजें हो गई, मैंने अपने 3 से 4 साल की डिग्री अच्छी खासी कर ली। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई पता है, सबसे बड़ी वाली, व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे घर में अर्निंग करने का वाला कौन था, सिर्फ मेरे पापा थे, और उनको मेरे पापा को है लीवर का इशू हो गया फर्स्ट ईयर, अभी जस्ट 2018 की अब बात कर रहा हूं मैं, 2018 में फर्स्ट ईयर में था ठीक है। तो मेरे पापा का लीवर का इशू हो गया, हम लोग प्योर ब्राह्मण है पर फिर भी लीवर का इशू पता नहीं कैसे हो गया, और जब ये लीवर का इशू हुआ काम करना बंद हो गया, डॉक्टर को हम लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल यही कलवा है हमारे यहाँ पे, फिर केम हॉस्पिटल है अभी भी उनकी दवाई चलती है, तो वहां पे दिखाया, डॉक्टर ने बोला इनको मुंबई में रखो मत, गांव भेज दो। तब हम लोग रेंट में रहते थे, मैं आप सबको बता दूं गाइस कि उस टाइम पे ना सिर्फ 90,000 रुपीज हमारे घर की टोटल वर्थ थी, मतलब मेरे पापा के अकाउंट में सिर्फ 90,000 रुपीज थे, जिसमें से एक ही दिन के अंदर 60,000 रुपीज चले गए, एक ही दिन के अंदर पापा की दवाई में 60,000 चले गए। फर्स्ट ईयर की फीस थी मेरी 40,000, जिसमें से 30,000 रुपए सिर्फ बचे थे। मैंने पापा को बोला कुछ भी नहीं, आप आराम से अपनी दवाई करवा लो, कोई इशू नहीं है। मैं खुद पापा को सारी दवाइयों लेके गया, 60,000 पहले दिन चले गए, दूसरे दिन 25,000 चले गए, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए बचे। मेरे को फर्स्ट ईयर की फीस भरनी थी, इतना बड़ा कॉलेज फीस नहीं भरता, ओपन कैटेगरी था, सीट कैसे तो मिली थी, मेरिट में नाम आया था। आपको पता है ना एडमिशन जब 12th के बाद होता है ना, तो वो 2-3 दिन का टाइम मिलता है, उसके बाद कभी एडमिशन नहीं होता। मैंने अपने सारे फ्रेंड एंड ऑल सभी लोगों से मांगा, बहुत लोगों ने मेरी हेल्प की, उनके हेल्प को मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता, मतलब वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक कभी होता ही नहीं, तुम लोग को आज तुम्हें इधर कभी पढ़ाई नहीं होता था। तो फिर उन्होंने सभी ने हेल्प की, मैंने 40,000 फीस अच्छी खासी भरी 2 इंस्टॉलमेंट में। अब क्या था कि अब नेक्स्ट ईयर तो मुझे सारी चीजें काम करने ना यार, पापा को भेज दिया गाँव क्योंकि उनका तबीयत बहुत ज्यादा डाउन था। मैंने क्या किया, हम लोग पहले थोड़े से 2 रूम के घर में रहते थे,
फिर क्या हुआ, मैंने बोला कि मैं सब छोड़ छाड़ दूंगा, मैं खुद एक रूम के घर में जाऊंगा, मैं सिर्फ एक सिंगल रूम के घर में रहा करता था, फिर वहां पे रहने लगा। मैं खुद से अब सोचता कि मैं क्या काम करूंगा, मुझे इस वक्त कौन काम देगा। वो अभी एक इंटेलो गेमिंग करके आया था ना, वो बोल रहा था, वो कह रहा था ना कि सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, ये थॉट गलत है, 12th पढ़ के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वही चीज उसको सिखा रहा हूं मैं कि 2018 की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में था मैं, अगस्त और सितंबर का महीना था, मेरे बर्थडे के दिन सिर्फ मैं दो वड़ा पाव खा के बैठा था मेरे घर में, मेरे को पता है। मैं सिर्फ बोल रहा था कि मैं 12th पास हूं, आई गॉट 93% इन 12th स्टैंडर्ड, मुझे कोई काम दे दो, मैं रात में काम करूंगा, दिन में काम करूंगा, मुझे नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर की कॉलेज की फीस भरनी है, पापा की दवाई, घर का रेंट, भाई का 10th स्टैंडर्ड, सब कुछ मुझे खुद से संभालना है, मेरे घर में अर्निंग करने वाला कोई भी नहीं है, मुझे 12th के बेस पे कोई काम नहीं दिया, किसी ने भी काम नहीं दिया, नो वन। हर कंपनी में जाता बोलता कोई नहीं, तेरे को कौन काम देगा, 93 आया तो क्या है, क्या एक्सपीरियंस है तेरे पास, क्या टैलेंट है तेरे पास, किसने कुछ भी जॉब नहीं दी, इवन 5,000 रुपए तक मैंने मांगा, किसी ने जॉब नहीं दिया 12th के बेसिस पे। गवर्नमेंट जॉब निकलती है 12th के बेसिस पे, लेकिन जनवरी फरवरी के महीने में गवर्नमेंट जॉब निकलती है, उस टाइम पे तो हम लोग गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा था। इसलिए तुम्हें हमेशा कहता हूं कि टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पास नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, ये पेपर ऊपर दे के तुम एक अच्छा, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट मिल जाएगी, उससे तुमको कुछ नहीं होने वाला है, इस बात को ध्यान रखो। मैं करीबन 10, 5 से 6 6 लोगों के ऑफिसेस में गया, किसी ने काम नहीं दिया, मैं सोचा था कि मेरे को 93% है, मैंने जिंदगी में इतनी मेहनत की, रात रात भर जाग जाग के दुनिया भर में, भाई अच्छा खासा मेरे को एडमिशन, मतलब कोई भी जॉब दे देगा, 10,000 की तो कोई भी जॉब देगा, ऐसा था। फिर मैंने सोचा कि अब कहीं भी नहीं मिलेगा, मैं अपने सेकेंड ईयर की फीस कैसे भरूंगा, पापा मम्मी को मैंने गांव भेज दिया तो उनकी हर महीने की दवाई अब कहां से भेजूंगा, मैं जिस घर में रह रहा हूं उस घर का 3,000 रुपये रेंट होता है मुंबई के अंदर, मैं बहुत छोटे से रूम में, बहुत ऐसे ही रूम में रह लिया था कि मुझे बस अपने आप को सरवाइव करके मुझे एजुकेशन गेन करनी है, मेरे जिंदगी में आज तक किसी ने 5वीं पास नहीं है, मेरे घर में मैं सबसे पहला हूँ, वी सॉफ्टवेयर डेवलपर जिसने इतनी बड़ी डिग्री अपने पास लेके रखी है और इतने सारे लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करा के दे रहा है, मेरे पूरे फैमिली में कोई 5th स्टैंडर्ड भी पास नहीं है, सोच लो इतना, मेरे फादर ने मेरे लिए इतना कुछ करके दिया है। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा, छोड़ो फिर कोई ना, एग्जैक्टली चीजें कैसी हुई कि फिर कुछ नहीं, मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कम से कम 10,000 की जॉब तो मिलेगी यार, 10,000 की जॉब तो मिलेगी कहीं ना कहीं से। मैंने सोचा चलो सिक्योरिटी गार्ड का ही काम करेंगे, कोई तो जॉब दे नहीं रहा, 12th में अच्छे परसेंटेज लाके भी कुछ मतलब नहीं मिला, तो एटलीस्ट ना कम से कम सिक्योरिटी गार्ड का तो काम मिलेगा, वहां तो बैठ के कर सकता हूँ। अब 5 सितंबर को मेरा 18 कवर हो गया, 5 सितंबर को मेरा 18 कंप्लीट हो गया, तो मैं ना 6 सितंबर को गया और बोला मेरे को सिक्योरिटी गार्ड का काम दे दो, मेरा 18 कंप्लीट हो गया, अब तो मैं जॉब कर सकता हूँ इधर, तो मेरे को उसने जॉब दे दिया। तो मैं उसके इधर ना दूसरे दिन 12 घंटे की जॉब 11,000 रुपीज में करने जा रहा था। अब देखो वो कहते हैं ना कि जब इंसान सच्चे मन से सारी चीजें करता है, अपना ना सोच के जब इंसान दूसरों की सोचता है, तो भगवान उसकी बहुत मदद करते हैं, चाहे इस दुनिया में वो अल्लाह हो, चाहे वो इस दुनिया में गॉड हो, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे बजरंग बली हो, कोई भी भगवान हो, जब हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो वो कहते हैं ना कि पूरी कायनात उसकी मदद करती है। मैं शाम को 11,000 रुपए वाली जॉब, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में सेकेंड ईयर में जाने वाला था, सोचो उस टाइम पे मैं कॉलेज में था, मेरे सारे कॉलेज के फ्रेंड एंजॉय करते थे, लाइफ में इतना आगे जाते थे, कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, मैं यहाँ पे सरवाइव करने की सोच रहा हूँ कि मैं जिंदगी में सरवाइव कैसे करूंगा। सोचो तुम लोग जो कहते हो ना कि ये लाइफ स्टाइल एंड ऑल ये सब कुछ, मेरे सारे फ्रेंड उस वक्त ये कोई कार से आ रहा है, कोई ये आईफोन खरीद रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई इधर, बहुत कुछ सिस्टम होता है कॉलेज की लाइफ, तुम जानते हो, सब इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे को सर्वाइव करने की लगी हुई थी कि मैं सर्वाइव कैसे करूंगा। उस वक्त मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, आई वॉज नथिंग, जीरो था मैं, कुछ भी नहीं, ऐसा सिस्टम। फिर क्या हुआ एग्जैक्टली, मैं शाम को मैंने सोचा कि मैं दिन भर घर में अच्छे से कॉलेज जाऊंगा, आऊंगा अपना पढ़ाई करूंगा, ट्यूशन व्यूशन तो होता नहीं है, तो शाम को मैं जाऊंगा और शाम को मैं रात भर में काम करूंगा 12 घंटे, सुबह मैं 6 बजे उठूंगा एंड ये सारी चीजें हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा। तो फिर मैं जैसे घर से निकला ना यार, सोचो वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, ऐसा लगता है ना कि किसी ना किसी रूप में भगवान आ गए और उन्होंने मेरी हेल्प कर दी। जैसे मैं निकला, मैं रोड में गया, मेरा एक फ्रेंड था, वो फ्रेंड बोलता किधर जा रहा है,
बोला किधर, मैं उसको बताया नहीं, बताऊंगा तो कैसा अजीब लगेगा ना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो सोचो हाँ, क्या कभी ऐसा फ्रेंड लोग पूछते भी नहीं ज्यादा, फोर्स बॉयज लोग कभी एक दूसरे को फोर्स करते क्या किधर जा रहे हैं? नहीं, फिर भी मैं हमेशा हंसते रहता था, कभी मैं रोना बिना उधर कुछ नहीं, ऐसा तो ये होता था कि मैंने अपनी जिंदगी जी रखी है, तो ऐसा लगता है। मैं जैसे उधर गया ना तो बोलता किधर जा रहा है, मैं बोला ऐसे यार कुछ काम है ऐसे जा रहा हूँ, तो बोलता अरे तू बता किधर जा रहा है, किधर तो तू जा रहा है, सोचो इतना पूछ रहा है, कोई इतना फ्रेंड नहीं पूछता। मैं बोला कुछ नहीं यार, जॉब में जा रहा हूँ। मैं बोलता तू जॉब करने जा रहा है, बोला हाँ, बोलते 18 हो गया क्या, बोला हाँ भाई हो गया है, कल हुआ, आज से जॉब मिली मेरे को। बोलते किधर जा रहा है, मैं उसको बताया उधर बिल्डिंग में एक जगह हमारे एरिया में है, तो बोलते तू जॉब क्यों करने जा रहा है, मैं बोला कि भाई ये सब कुछ हालत है, तेरे को क्या पता, तेरे से तो कभी मिला ही नहीं मैं। फिर उसने बोला कि एक काम कर, मैं बोला क्या, बोलता है मेरी इधर एक ट्यूशन है, उधर पढ़ा तेरे को अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, ये 11,000 से अच्छा तू कमा लेगा। मैं बोला भाई तू जो बोलेगा ना इस वक्त वो सब काम करने रेडी हूँ, क्योंकि मेरे को अगले ही महीने पापा की दवाई भेजनी है और दवाई की कीमत है 2600 रुपए। वो कहते हैं ना कि 1 रुपए की कीमत क्या होती है, ऐसे मैंने काउंट कर रखे थे कि 2603 रुपए की दवाई आती थी, रूम का रेंट 3000 एग्जैक्टली था, फिर इतने रुपए का राशन आएगा, इतने रुपए की एक बुक आएगी, इतने रुपए का मेरा पेन आएगा, उसमें से मुझे लिखना है, सब कुछ मैंने प्लान कर रखा था। इसे अब ऐसा लग रहा था कि सच में पापा कैसे मैनेज करते रहे होंगे, उस 10,000 से पूरे घर कैसे चलाते रहे होंगे, वो सब मेरे को समझ में आया था, एक एक चीजों को सब प्लान करके रखा था। तो मैंने बोला भाई मेरे को कुछ भी काम करूंगा, दुनिया का सारा काम कर लूंगा, जो बोलेगा सब करूंगा, बस मेरे को पैसों की जरूरत है, और नेक्स्ट ईयर मेरे को फीस भरनी है फिर से 40,000, वरना मेरे को कॉलेज से निकाल देंगे, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा और मैं ऐसे ही घूमता रहूंगा सिर्फ, और 12वीं की बेस पे मेरे को कोई काम नहीं देने वाला, मैं जिंदगी में कुछ उखाड़ ही नहीं सकता हूँ। ऐसे में उसने बोला भाई एक काम कर, चल कल आज जॉब भी में मत जा, कल ट्यूशन में तेरे से बात कराता हूँ। मैं बोला भाई ठीक है एक काम कर, कल मैं आ जाऊंगा बात कर लूंगा, पर मैं आज जॉब मेरे को जाने दे, क्या पता मैं उधर गया और वो नहीं मिला तो मेरा इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा। तो मैं गया, मैं रात भर उधर बैठ के आया, मच्छर काट रहे थे, छोड़ो वो, बस मैं ऐसे बैठा था उधर। सिक्योरिटी गार्ड में करते ही क्या है कि उधर मतलब गेट रहता है और गेट में बैठे रहो, रात में कोई आएगा तो दरवाजा खोल दो, फिर वो कार वाले अंदर जाते हैं, फिर कार वाले बाहर आते हैं। तो मैंने अपने बिल्डिंग बिल्डिंग में उधर जाके बैठा रहा, कुछ भी नहीं, ठीक है। हमारे पास उधर पे क्या था कि दूसरा उधर के सिक्योरिटी गार्ड के बंदे थे, वो 35-35 साल के लोग जो काम करते ना, बोलते भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो पढ़ाई विढ़ाई करने का उम्र है। मैं बोला आप क्या ही बताऊं मैं, आप मेरे को काम करने दो, मैं इधर बैठा हूँ बस, हो गया, मेरे को 12,000 रुपए चाहिए कुछ भी करके, 11,000 रुपए मेरे को दे दो, मैं काम क्यों करूंगा। फिर उसने कुछ नहीं, ठीक है ऐसा हो गया, कुछ भी चीजें ऐसी ऐसी हो गई। मैं बैठा था सुबह 4 बजे तक, तो मेरे को नींद आने लगी उधर बैठ बैठ के, जिंदगी में पहली बार लगा कि रात में कैसे कोई जागता रहा होगा। उसका मेरे को जो एक्सपीरियंस हुआ ना, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इतने मच्छर काट रहे हैं, रोडें आ रही हैं, फिर उधर से बीच में से सुपरवाइजर आके बोल रहा है सोने का नहीं है, ऐसा वैसा, मतलब जिंदगी में किसी ने डांटा नहीं था, ऐसा था कि इतना, बहुत सारी चीजें होती है, छोड़ो अब वो सब नहीं बताने वाला। तो ऐसा हुआ, मैं सुबह सुबह 6 बजे उठा, मैं कॉलेज गया, 3 बजे कॉलेज से आया, वो ट्यूशन में उससे बात किया, जो वहां पे गया तो मैंने उसको बताया कि मैं साइंस एंड मैथमेटिक्स एकदम धमाकेदार तरीके से पढ़ा सकता हूँ, मेरे को सारी चीजें आती हैं, आई गॉट 93 इन 12th स्टैंडर्ड, 10th में मेरे को 91 थे, साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में सब में 90-90+ है, एजुकेशन के मामले में कुछ भी पूछो सब बता दूंगा, जो किधर भी पूछना है, एनीथिंग यू ऑल कैन आस्क मी, ऐसा था। उस बंदे ने बोला ठीक है डेमो दो, सब मेरे को देख के उस टाइम पे, अभी सोचो ना, अभी भी वो रहता है ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो जब मैं क्लास के अंदर एंट्री किया, जिंदगी में कभी भी मैंने स्पीच नहीं दी थी यार, कभी स्पीच देना सिखाया नहीं, कम्युनिकेशन कुछ भी किसी ने सिखाया नहीं, मैं उस क्लास के अंदर गया, वहां 70 बच्चे बैठे थे, 70 बच्चे बैठे थे, उन्होंने मेरे को देखा, उनको लगा रहा नया एडमिशन आया है। मैं उनको पढ़ाने जाने वाला था, मैं उनको गया, फिर मैंने पढ़ाया अपना 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 था, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसको ही मैंने पढ़ाया, और जब पढ़ाया ना यार, सब बच्चों ने एकदम ऐसा ऐसा खतरनाक तरीके से पसंद किया ना यार, उनको ऐसा मैंने सिखाया ना कि जितना अच्छे से उन्होंने कभी सीखा भी नहीं था। मेरे को 1 घंटे का 200 रुपीज देने बोला, 200 रुपये मेरे को 1 घंटे के मिलने वाले थे, मैं बोला अरे वाह भाई 1 घंटे का 200 रुपये मिलेगा, उधर तो 11,000 एक महीने का दे रहा है, 12 घंटे बैठता हूँ जाके रात में तब देगा, इधर तो 200 रुपये 1 घंटे का दे दे रहा है, क्या बात है। मैं बोला एक काम करो मेरे को ना, आप 10 घंटा दे दो, मैं आपके इधर 10 घंटे पढ़ाऊंगा, मेरे को पैसे की बहुत जरूरत है। बोलते 10 घंटे कैसे देगा, हर एक बच्चे दो दो घंटे ही बैठते हैं आके क्लास में, तो आपको सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ाना रहेगा। वो मैं बोला फिर हफ्ते में सब दिन दे दो,
तो बोलते हफ्ते में सब दिन नहीं हो सकता, हफ्ते में 3 दिन ही साइंस पढ़ाएंगे, क्या हर दिन साइंस ही पढ़ाएंगे क्या, हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथ्स कौन पढ़ाएगा, तो वो तो मैं पढ़ाऊंगा ना। तो ऐसा है, तो सिर्फ 200 रुपए मिलेंगे वो भी हफ्ते के 3 दिन। मैं बोला ठीक है भाई 2 घंटे पढ़ाऊंगा 400 रुपए मिल जाएंगे, हफ्ते के 3 दिन हो जाएंगे, कम से कम 1200 रुपए तो मिलेंगे, एक हफ्ते में मैं 1200 रुपए अर्न कर लूंगा ऐसे ही, 2 घंटे आके पढ़ा के चला जाऊंगा। तो मैंने बोला यार ये तो अच्छा है, मतलब मैं दिन में आके पढ़ा दूंगा, रात में मैं सिक्योरिटी गार्ड वाला काम कर लूंगा, तो मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे, मैं तो फीस भी भर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। ऐसा हो गया। फिर मैंने बोला कि आपके कॉन्टेक्ट में और कोई क्लास है? अब देखो किस्मत कहाँ साथ देती है, 2018 का वो टाइम, उसी टाइम पे सिलेबस चेंज हुआ था साइंस वालों का 10th का, आई थिंक तुम सबको पता होगा 10th का सिलेबस उसी टाइम पे चेंज हुआ था, और किसी को वो साइंस आ ही नहीं रही थी, नया सिलेबस था। तो क्या हुआ ना कि उसी टाइम पे मैं बोला भाई कोई तो है और आजू बाजू के सारे ट्यूशन मेरे को दिलवा दो तो सारे लोग ने मेरे से उससे तुरंत कॉल किया, मैंने उसको सब सिचुएशन बताई, वो सर ने सभी को कांटेक्ट किया और 3 से 4 ट्यूशन मेरे को मिल गए, मैंने सब में डेमो दिया, सब में मेरे को सब बच्चों ने मेरे को बहुत पसंद किया, मेरा पढ़ाने का तरीका एकदम सबसे फ्रेंडली हो जाना एकदम, तो सबको पसंद है, मेरे को 4 क्लासेस मिल गए। अब ऐसा हुआ ना कि मैं एक हफ्ते में 6000 रुपये अर्न करने लग गया, मतलब मैं 24,000 रुपीज महीने का अर्न करने लग गया, मतलब 4 क्लासेस पढ़ाता था, हर क्लासेस से 2-2 घंटा, 8 घंटे की टीचिंग करता था जाके ऑफलाइन क्लास में, 2018 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 24,000 एक महीने के ऐसे ही मिले भाई, इतने में तो मेरे पापा का दवाई, मेरे घर का रेंट, फिर मेरा खुद का, मेरे भाई 10th में था उस टाइम पे, तो उसका पूरा खर्चा सब निकाल लिया मैंने, मतलब इतना खुश था यार, ये क्या बात है, एक ही दिन सिर्फ मेरे को सिक्योरिटी गार्ड का काम करना पड़ा सिर्फ, मतलब ऐसा हुआ, और मेरे को इतनी सारी चीजें मिल गई, मैंने मतलब करना चालू कर दिया, वाह, मतलब मैं अपनी जिंदगी में 24,000 रुपीज कमा पा रहा हूँ, मतलब इतना खुश हुआ था मैं। फिर मैंने पूरे साल भर वैसे ही पढ़ाया, फिर मैं जब सेकेंड ईयर में गया तो मेरे पास पैसे आ गए थे, मैंने अपना सारा फीस भर दिया एक ही बार में, फिर ऐसा था कि फिर मेरे ऐसा सोचा कि यार अब कुछ तो नया करना चाहिए, और फिर मैंने सारी की सारी चीजें क्या की कि पापा को दवाइयां भी भेजने लग गया, घर में रेंट भी देने लग गया, अच्छे सब कुछ हो गया, अभी 24,000 मेरे पापा से मेरे डबल पैसे मैं कमा रहा था, ऐसी चीजें हो गई। फिर मैंने कुछ नहीं किया, फिर मैंने यूट्यूब खोला और अपनी पढ़ाई सॉफ्टवेयर का मैं सीखते गया, यूट्यूब में सोचा चलो बच्चों को इधर भी पढ़ाते हैं, तो मैंने ऐसे ही खोल दिया, मतलब ऐसे मेरा, मैं और मेरे फ्रेंड ने एक साथ में खोला था, मेरे फ्रेंड ने बंद कर दिया, मैंने चालू रखा, मैंने उधर पढ़ाते गया, और अभी तुम लोग पढ़ रहे हो मेरे से, 5 लाख प्लस स्टूडेंट तुम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हो, तुम सब पढ़ रहे हो, तो यहां से भी अर्निंग हो जाती है, क्यों झूठ बोलने का, इधर से अर्निंग होता है, ठीक है, इधर से अर्निंग होता है। फिर अभी तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो मैं वहां से एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ, मैं वेबसाइट बनाता हूँ, तो यहाँ से तो बाहर देश के मुझे प्रोजेक्ट मिलते हैं, मैं रात में कोडिंग करता हूँ, तो वहां से मुझे डॉलर्स में पैसे मिलते हैं, तो ये चीजें मैंने तुम लोग को बताया था। अभी तो मैं इतना कमा लेता हूँ, मतलब एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा, तुम लोग को मैं सारे कमाने के आइडियाज बताने वाला हूँ आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम। अभी मैं इतना अर्न कर लेता हूँ कि यूट्यूब का छोड़ करके आई कैन बाय 3 to 4 iPhone 13 Pro, इमेजिन, यू कैन इमेजिन, आई थिंक 6 फिगर्स अर्निंग आराम से हो जाती है। तो ये सारी चीजें, मतलब ऐसा था कि अभी हम लोग ने यहाँ पे मुंबई में घर ले लिया खुद का, फ्लैट विट सब प्रॉपर तरीके से, सारी चीजें अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, फ्लैट भी कुछ दिन में और ले लेंगे। तो ऐसा है कि मतलब सब चीजें एकदम खुशी खुशी चल रही है, बहुत कुछ है, सब बेस्ट है जिंदगी में। बस उस दिन का भगवान ने मेरे को एहसास कराया कि देख ले कि तेरे पापा कितनी मेहनत करते थे, वो एक दिन जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करने गया, वो दिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने काम क्यों करने गया, मुझे ये लगता है ना कि उन्होंने, भगवान ने मुझे एहसास दिलाया कि भाई अगर तेरे को डायरेक्टली सब कुछ दे दूंगा तो तेरे को उसका कुछ मतलब ही नहीं पता होगा। सिर्फ मैंने 3 महीने जिंदगी के बहुत ज्यादा स्ट्रगल की, उसके बाद तो फिर मेरे पास पैसे आने शुरू हो गए, मेहनत तो करनी पड़ती है हमेशा, ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें होने लगी, तो एक रात वो जो सिक्योरिटी गार्ड का काम किया उसने जिंदगी के सारे दुनिया का एहसास करवा दिया था। वो पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई थी, 4 बजे मेरे को नींद आने लगी थी, बस पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई थी, मैं बस ऐसे सोच रहा था कि मेरी जिंदगी क्या होगी, मैं किधर जाऊंगा, मैं कहाँ रहूंगा, कैसे रहूंगा, मैं सिर्फ यही सोच रहा था वो पूरी रात भर। और उसके दूसरे दिन से पूरी जिंदगी बदलना शुरू हो गई, अपने आप बदलना शुरू हो गई, अपने आप सब अच्छा होने लगा, सब कुछ अपने आप ही होने लगा, सब अपने आप बेस्ट होने लग गया। ऐसा कभी कभी लगता है ना कि मैं तो कुछ हार्डवर्क करता ही नहीं हूँ, सब भगवान अपने आप कर देते हैं, मेरे साथ सब कुछ अपने आप हो जाता है, अपने आप पैसे आ जाते हैं, सब हो जाता है। इधर भी बैठ के मैं क्या ही कर रहा हूँ, इधर भी बैठ के बस ऐसे लेक्चर ले रहा हूँ,
अपने आप ही पैसे आ जाते हैं, ऐसा है। तो ये सारी चीजें होती है, ऐसा लगता है कि भगवान बहुत हेल्प करते हैं। बस थोड़ा सा हमें दुनिया में ना, हमें थोड़ा सा बस कुछ अपने कदम बढ़ाने होते हैं, एक कदम लेना होता है, फिर आगे अपने आप सब अच्छी चीजें हो जाती हैं। फिर कभी कभी वो दिन याद करता हूँ कि जब मेरी दादी जी जाया करती थी मांगने, वो दिन था। अभी हम लोग ने गांव में बहुत सारी प्रॉपर्टियां वगैरह बाय कर ली है भाई, दो मेरे गांव के सब लोग सिर्फ एक ही चीज पूछते हैं, अभी इस टाइम पे मेरी एज देख रहे हो, जस्ट 21 22 की है, गांव में सब शादी का रिश्ता लेके बैठे, भाई ये 21 22 की उम्र में इतनी सारी प्रॉपर्टियां ले लिया, ये कर लिया वो कर लिया, गांव में हमने बहुत भारी वाला एकदम घर बनवा लिया, बहुत धमाके, बहुत कुछ हो गया यार, बहुत कुछ, सब सिस्टम इधर भी ले लिया उधर भी ले लिया, बहुत कुछ। बोलते भाई 21 22 की उम्र में अभी तो कॉलेज में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ, इधर आके ये सब कुछ कर लिया उधर शादी का रिश्ता लेके बैठे। मैं बोला भाई इधर मेरा मुंह देख रहे हो, अभी मेरे को कितना सारा काम करना है, तो बहुत सारी चीजें अभी दुनिया में अटेन करनी है, बहुत कुछ अभी अचीव करना है। ये क्या तुम लोग, गांव का ऐसा रूल रहता है ना, गांव साइड में जाओगे तो 18 19 का हुआ नहीं, शादी पहले कर देनी है, ये सब कुछ लोग सोचते, तो ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। तो चीजें ऐसी, फिर वो दिन याद आते हैं कि मेरी दादी जाया करती थी, मेरी दादी की डेथ हो गई, मैं सोचता था कि काश मेरी दादी अभी जिंदा होती तो वो देखती कि क्या होता है। एक बार की तुम्हें बात बताता हूँ, मेरे फादर ने कभी भी लाइफ में 5 लाख रुपीज प्लस एक साथ नहीं देखे थे। मैंने बोला यार ऐसा है, फिर मैंने गया, मैं पूरे बैंक से पूरे के पूरे 5 लाख निकाल के ले गया, बोला देखो गिनो इसको, ऐसे होते हैं पापा इतने खुश थे यार कि जिंदगी में, देखो मेरे पापा का सपना था कि मैं 1 लाख रुपीज जोड़ लूंगा, 1 लाख रुपीज में जोड़ लूंगा, फिर 90,000 हो पाए थे, बताया था ना तुम लोग को अभी, वो 90,000 हो पाए थे, और पापा की तबीयत खराब, एक ही दिन में 60,000 पूरे चले गए थे। जब पूरे के पूरे 5 लाख रुपीज चेक के थ्रू निकाला कैश में, पापा को लगा गिनो, गिन ही नहीं पा रहे, उनको गिनने ही नहीं आ रहा था मैं मतलब अंदर से इतना खुद में ये कर रहा था कि यार चलो मेरे पापा के सारे सपने मैंने पूरे कर दिए, जो भी था, जो भी उन्हें चाहिए सब उन्हें मिल रहा है, बस उनकी तबीयत अभी ठीक हो जाए। अभी भी उनके लीवर का इश्यू है, लीवर बॉडी में एक ही होता है, तो वो कभी ठीक नहीं होता, ऐसा होता है, तो ठीक है जो भी है, ऐसी चीजें होती हैं। तो बस तुम लोग भी ना हमेशा अच्छा काम करते रहो, बहुत आगे जाओगे, हार्डवर्क करोगे बहुत आगे जाओगे। देखो बिना हार्डवर्क के लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता है, हार्डवर्क बहुत ज्यादा मैंडेटरी, जिंदगी में अगर कुछ करना है तो तुम्हें हार्डवर्क करनी ही पड़ेगी, और हार्डवर्क भी ऐसा कि मेहनत करनी पड़ेगी यार, ऐसे नहीं कि चलो कुछ भी कर लेंगे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसे नहीं, बहुत हार्डवर्क करने पड़ेंगे, ऐसा होता है, तो जिंदगी में आगे बढ़ना है। हाँ मेरी सिस्टर की वही बाढ़ के टाइम पे डेथ हो गई थी, मेरी सिस्टर 5 मंथ की थी, 5 महीने की उनकी डेथ हो गई थी, तो नाग पंचमी का दिन था, उसी दिन मेरी सिस्टर की डेथ हो गई, बट मेरे को रोने नहीं आता मैं रो के क्या ही कर लूंगा, कुछ नहीं, अंदर से हार्ड बंदा एकदम, इतने स्ट्रगल कर रखे हैं कि कोई जिंदगी में इमोशनल हो ही नहीं पाता मैं, मेरे को इमोशनल ऐसा है कि मैं अंदर ही अंदर रो लूंगा, लेकिन मैं कभी इमोशनल नहीं होता, मतलब दिखाऊंगा नहीं कि मैं इमोशनल हूँ, बस आई एम हैप्पी वन, ऐसा। चलो कोई नहीं, तो ठीक है, सुन लिया स्टोरी, रुला दिया मेरे को, इमोशनल कर दिया, बस कोशिश करना कि वीडियो वीडियो मत डाल देना किधर, मैं नहीं चाहता कि मेरा रोता हुआ फेस जिंदगी में कोई देखे एंड ऑल। चलो ठीक है, तो अब चलते हैं, बहुत हुआ चीजें, हम निकलते हैं, जाने का समय आ गया है, तुम सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दिया हूं मैं, वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना, और बहुत बहुत आगे जाना, ठीक है, चलो। सो अब बस आगे बढ़ो, बहुत हैप्पी रहो, जस्ट मेहनत करोगे बहुत आगे जाओगे, हार्ड वर्क करोगे बहुत आगे जाओगे, सच में कह रहा हूं। और जिंदगी में ना ये हमेशा कहते हो, ये सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, ये जो 12th 12th का है ना, ठीक है अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन इसके दम पे 10 रुपए भी नहीं अर्न कर पाओगे, इतना समझ के रखना अच्छे से, ठीक है, इन बातों को ध्यान दो। तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, हार्डवर्क करो, एंजॉय करो लाइफ को, और बहुत आगे जाओ। मैंने बहुत सी चीजें मिस कर दी, मेरे कॉलेज की लाइफ मैंने कुछ भी एंजॉय नहीं की है, तुम लोग को कहता हूँ कि तुम लोग कॉलेज की लाइफ एंजॉय करना, बहुत मिस करते हैं हम उसे, मैं सोचता हूँ कि यार मेरे फ्रेंड लोग ने कितना मस्ती विस्ती की है सब, उनकी लाइफ कितनी अच्छी है, और मैंने अपने कॉलेज में कुछ भी नहीं किया, मैं कॉलेज में जाता मुंह बना के बैठे रहता, जो भी सिखाते उठ के बुक लेके घर चला आता, ये सिस्टम मेरे घर में चला करता था, तो ऐसा है। तो गाइस ठीक है, चलता हूँ अभी, कोई भी कभी भी डाउट रहा इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो, व्हाट्सएप में कर दो, टेलीग्राम में कर दो, बिंदास हेल्प करूंगा, बहुत आगे बढ़ो, तुम्हारा 12th हो जाएगा, तुमको सारे सीक्रेट्स भी बताऊंगा किस तरीके से तुम भी अर्निंग कर सकते हो, बहुत सारी चीजें, शेयर मार्केट एंड ऑल सब चीजें सिखाऊंगा, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग नॉर्मल वाली, बहुत कुछ सिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन हार्डवर्क करना पड़ेगा तब अर्न कर पाओगे,
तो गाइस चलते हैं अभी, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, खुश रहने का, हंसने का, और रोस्टिंग कभी नहीं छोड़ने का। रोस्टिंग कभी नहीं छोड़ने का रे बाबा, ठीक है, खुश रहने का, हैप्पी रहने का, एकदम धमाकेदार तरीके से खुश रहने का, ठीक है, और रोस्टिंग विस्टिंग कभी नहीं छोड़ने का। रोस्टिंग तो इतनी करने का, इतनी करने का कि सामने वाले को रुला दो, फिर उसको हंसा दो। अभी भाई किसी को कॉमेडी करके अगर कोई रो देता है, ऐसा इंसान नहीं होने का, हंसने का, खुश रहने का, एकदम ऐसा रखने का, ठीक है। चलो, सो बाय बाय, टेक केयर, मस्त एकदम बिंदास रहो, खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, एंजॉय योर लाइफ, एंड पढ़ाई से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। तो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।